हाँ करूँ। हाँ ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा हमने ना मतलब मिड से करना है ना, तो मिड में हमारे पास कौन सा सिलेबस था? चैप्टर नंबर 2 था, चैप्टर नंबर 3 था, 3.4 एग्जाम्पल तक, और चैप्टर नंबर 7 था। पिछली बार यही था सिलेबस, ये कंफर्म कर रही है आ रहा है तुम्हारा भी, 2, 3 और चैप्टर 7। स्टार्ट करें फिर चैप्टर 2 से, तो ये सिंपल है मतलब, बता दो जो अगर कुछ आता हो उसको फिर स्किप कर लेते। ये मैंने किया हुआ, ये 2.3 तक। 2.3 तक किया हुआ है, ठीक है जी बाकी जी क्या करना? हाँ, अभी वो उस पे स्टार्ट किया हुआ है बस। ठीक है चलो, मैं इसका फिर भी ना ओवरव्यू देता हूँ सिंपल सा। 2.1 में ओके अच्छा हमारे पास दो तरह के एरिया होते हैं। हाँ ठीक है, एक होता है ग्रॉस एरिया, एक होता है नेट एरिया। अगर हमारे पास ये सिंगुलर प्लेट है तो इसके अंदर कोई होल नहीं है, तो इसका टोटल एरिया को हम कहेंगे ग्रॉस एरिया, ए जी से डिनोट करते हैं इसे। और अगर इसके दरम्यान में हमने रिवेट या बोर्ड लगाए तो सुराख हो जाते हैं, तो सुराख की वजह से एरिया कम होता है, तो फिर जो इफेक्टिव एरिया होता है वो सुराखों को हम निकाल देते हैं, तो ये इफेक्टिव एरिया को हम कहते हैं नेट एरिया। तो ये दो तरह के हमारे पास एरिया हैं, बस पहले जो 3-4 एग्जाम्पल में बस यही करना है। उसने कहा कि हमारे पास ये दो प्लेट्स हैं, एक हमारे पास ये रेड वाली दो प्लेट्स हैं, दो टाइप्स की प्लेट है, ये रेड वाले दो हैं और ये हमारे पास ये येलो वाली है। उसने कहा कि हमने फाइंड करना है कि मिनिमम हमारे पास इफेक्टिव एरिया किस प्लेट का होगा, कि इन दोनों में से किस प्लेट का इफेक्टिव एरिया कम होगा। क्योंकि अगर देखो ना कि जिस हमारे पास अगर एरिया कम होता रहेगा तो हमारे पास सेक्शन कैपेसिटी रिड्यूस होती रहेगी, जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी, जितना कम होता रहेगा उतनी मतलब कैपेसिटी कम होती रहेगी, हमारा सेक्शन वीक होता रहेगा। तो इसलिए हमने ये फाइंड करना है, तो जिसका मिनिमम एरिया होगा वो वीकेस्ट होगा सेक्शन और उधर से फेलियर होगा, इसलिए हम कम वाला एरिया लेते हैं। तो ये हमारे पास दो प्लेट्स हैं, इनका हमने ये फाइंड करना है। क्या किया, बस क्रॉस एरिया कहता है सिंपल, ये प्लेट्स हैं रेक्टेंगुलर प्लेट्स, तो इनके एरिया को मल्टीप्लाई कर दो 600 × 200, जो दो प्लेट्स हैं तो इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हमारे पास इन दोनों प्लेट्स क्रॉस एरिया का इसका बस 10 × 200, ये क्रॉस एरिया आ गया। तो इनका ग्रॉस एरिया 2400, उसके ऊपर वाले ये मोटी वाली प्लेट का है, ये मोटी येलो वाली प्लेट का आया था हमारे पास 2000, ये दो प्लेट्स का है हमारे पास 2400। तो मिनिमम हमने लेना है, मिनिमम हमारे पास है 2000, तो हमारे पास ग्रॉस एरिया 2000 आ गया। नेट एरिया में क्या करना है, उसने अभी ना क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है हमें, हमने इसके अंदर से ना वर्टिकल लाइन पास करनी होती है, अगर हमारे पास कोई स्टैगर ना हो। स्टैगर को भी देखते हैं आगे, तो वर्टिकल लाइन में दो बोल्ट्स आ रहे हैं, एक और दो, तो हमारे पास एन आ गया 2 डी। हमारे पास डायमीटर में दिया हुआ है बोल्ट का, वो कितना है हमारे पास 20 mm, तो और थिकनेस हमें पता है प्लेट्स की कितनी है हमारे पास 10 mm, ये हमने मोटी वाली प्लेट का देख रहे हैं। तो वही करो कि n × d+c × टाइम थिकनेस, एन हमारे पास दो बोल्ट हैं, डी हमारे पास 20 mm है, 3 वैसे ही फॉर्मूले का है, थिकनेस हमारे पास 10 है, तो नेगेटिव हमारे पास ये आ गया। अगर तुम दूसरे का भी फाइंड करोगे ना 2400 लेकर, तो उसका नेट एरिया से ज़्यादा होगा, तो हमने मिनिमम नेट एरिया निकालना होता है, तो इसमें ये मिनिमम है तो हमारे पास ये ठीक है। सही है, ये हमारे पास था विदाउट स्टैगर। सही हो गया। सही। अच्छा अब देखो, अगर हमारे पास ये है सपोज, ये हमारे पास बोल्ट हैं 1 2, अगर दो बोल्ट एक स्ट्रेट लाइन में हो, मतलब ये दोनों स्ट्रेट लाइन में है और इन दो और ये दोनों हॉरिजॉन्टली लाइन है, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन में जा रहे हैं, तो इनके दरम्यान हम डिस्टेंस को कहेंगे पिच। अगर दो बोल्ट्स मतलब डिफरेंट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन में, ये नीचे वाली इधर है, ये ऊपर इधर है, तो इनके दरम्यान हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कहेंगे हम गेज।
ये हमारे पास ये है, ओ सॉरी, ये इन दोनों को हम कहेंगे स्टैगर एस, कि हमारे पास दोनों जो बोर्ड्स हैं वो दोनों डिफरेंट लाइन में, डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लाइन में, इनके दरमियान जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा वो होगा स्टैगर, और जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा ये होगा हमारे पास केएच। मतलब अगर दोनों बोर्ड्स हॉरिजॉन्टल लाइन में है तो उनके दरमियान गेज के है जीरो, दोनों के दरमियान कोई वर्टिकल डिस्टेंस नहीं है, तो गेज जीरो होगा, तो फिर हमारे पास स्टैगर भी जीरो होगा। स्टैगर जो होगा उसको हम वैसे पिच करेंगे। सिंपल केस में अगर ये देखो, एक बोर्ड ये है, दूसरा बोर्ड ये है, तीसरा बोर्ड ये है, तो इन दोनों के दरमियान जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा ये होगा हमारे पास गेज, ये भी हमारे पास होगा गेज। जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये हमारे पास है स्टैगर, ये भी हमारे पास है स्टैगर। ये पिच नहीं है, पिच अगर दोनों स्ट्रेट लाइन में हो, मतलब एक दोनों स्ट्रेट लाइन में हो तो फिर वो पिच होती है। ये देखो ना आप ऊपर नीचे, ये डी और सी के दरमियान ये पिच है। अगर बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन में हो तो वो पिच होती है, अगर हमारे पास डिफरेंट लाइंस में हो, मतलब उन वर्टिकली लाइन ना हो, ऊपर नीचे हो कोई, तो वो हमारे पास होंगे स्टैगर्स। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है कि वही ए जी माइनस एन इंटू डी प्लस थ्री टाइम्स थिकनेस। ये हमारे पास पहले फॉर्मूला था ई नेट का, बस डिफरेंस क्या था, जब स्टैगर आते तो हम ऐड कर देते हैं एस स्क्वायर ओवर फोर जी, फोर टाइम्स स्टैगर ओवर सॉरी स्टैगर का स्क्वायर ओवर फोर टाइम्स गेज मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। और ये हम करते हैं जितने भी हमारे पास बोल्ट हैं सबके लिए ऐड करते रहते हैं, समीशन कर देते हैं। बस ये वाला पैरामीटर डिफरेंट आएगा इस क्वेश्चन में, बाकी वही चीज़ है। तो उसने हमें कहा हुआ है कि थिकनेस है हमारे इस प्लेट की कितनी है, 6 mm थिक। ये क्वेश्चन का 6 mm थिक है, इसकी मतलब ये क्रॉस सेक्शन के डायमेंशन कितने, 305। तो ग्रॉस एरिया क्या होगा इसका, 6 × 305, ये ग्रॉस एरिया आ गया। अब हमने नेट एरिया फाइंड करना है, तो नेट एरिया के लिए ना हमारे पास ये देखो, हमारे पास ना डिफरेंट पार्ट्स हैं। एक हमारे पास पाथ है कि हम इधर से इधर तक, ये नेट एरिया, एक मिनट ये खुद ही मूव कर रहा है। एक सेकेंड बस, हैंग हो गया था। एक मिनट, हाँ ओके सॉरी, वो हैंग हो गया थोड़ा सा। तुम्हारे पास ये, हमारे पास क्या है, एक हमारे पास जो वर्टिकल डिस्टेंस बन रहा है वो ये है, ये हमने बिल्कुल वर्टिकल डिस्टेंस कंसीडर कर लिया। और यहाँ से वर्टिकल वाला हमेशा ना कम होगा, क्योंकि इसके अंदर हम स्टैगर ऐड नहीं करते ना, तो उसका नेट एरिया क्या आएगा, कम आएगा। हमारा फॉर्मूला क्या था, ए जी माइनस एन इंटू डी प्लस थ्री टाइम थिकनेस प्लस एस स्क्वायर ओवर फोर जी। तो देखो स्टैगर वाले टाइम क्या हो रही है, ऐड हो रही है, तो उससे हमारे पास नेट एरिया क्या होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। हमने सेलेक्ट कौन सा करना था, जो सबसे कम वैल्यू हो नेट एरिया, मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करनी होती, तो इससे इंक्रीज हो रही है, याद रखना। तो हमेशा वर्टिकल वाला कम देगा अगर हमारे पास बोल्ट सेम है। अलग इस वर्टिकल लाइन में दो बोल्ट हैं, तो हमारे पास एन यहाँ पे टू है। अगर इधर ये हमारे पास एक इस तरह बोल्ट होता है, दूसरा इस तरह बोल्ट होता है, मतलब स्टैगर के साथ होते हैं और बोल्ट दो ही होते हैं, तो इससे हमेशा एरिया कम किसका होना था, इसका एरिया हमेशा कम होना था, ये जो रेड वाली लाइन है, क्योंकि इसमें स्टैगर का एरिया ऐड नहीं हो रहा वर्टिकल में। क्योंकि अगर हमारे पास मसला कहाँ पे आता है कि अगर तीन बोल्ट आ जाएँ, मतलब वर्टिकल में दो बोल्ट हैं इस तरह, अब दूसरा केस क्या बन रहा है कि तीन बोल्ट हम ए बी सी करें, ये जो
इसमें अब बोर्ड सीन हो गए तो हमारे पास एन थ्री हो जाएगा, तो थोड़ा सा कम हो जाएगा एरिया, इससे और स्ट्राइकर से इंक्रीज हो जाएगा थोड़ा, तो ये इसलिए हम चेक करेंगे कि कौन सा इसमें कम है या फिर ए बी सी ये आ जाएगा। तो ये देखो मैं को ना ड्रा ड्रॉ कर देखा, तो अगर हमारे पास पहला पाथ है ये, हमारे पास ये है सपोज ये ए था, ये डी था मेरे ख्याल, ये बी है और ये सी है, हमारे पास पहला पाथ है ये, हमारे पास ग्रॉस एरिया क्या है 6 × 305, वो चलो उतना ही आ गया, 306 करो तो 1830 आ गया। अब हमने चेक करना है कि नेट एरिया सबसे कम किसका है, हम पहला पाथ क्या ले रहे हैं ए डी, ये जो वर्टिकल पाथ है वो हमेशा ना पहले से चेक करना है कि वो उसका कम आता होगा, ज़रूरी नहीं हमेशा कम हो, मगर अगर दोनों बोल्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी तीनों पाथ में बोल्ट्स हैं तीन तीन, बाकी तीनों पाथ्स हैं कि एक ये है ए बी सी और एक ये है ए बी एक ए बी डी, ये दो पास अलग हैं, मतलब तीन पास हैं, बाकी दो पास में तीन तीन बोल्ट्स हैं, इसलिए उससे थोड़ा सा मसला हो सकता है, वर्टिकल पाथ में दो बोल्ट्स हैं, तो इसका ग्रॉस एरिया, इसका नेट एरिया क्या आएगा, ए जी माइनस एन इंटू डी प्लस थ्री टाइम थिकनेस, तो यहाँ पे एन टू है, डी मेरे पास क्या था 20 थिकनेस मेरे पास थी 6, तो इससे तुमने निकाल लिया इसका नेट एरिया आ गया, सपोज करो कितना आया था पाथ ए डी का 1554। अब हमने देखना है कि इस स्टैगर्ड वाले में से कौन सा काम आया, अब ये देखना यहाँ पे और करना ज़रा, ये हमारे पास चार बोल्ट्स हैं, इनके दरमियान स्टैगर कितना है और इसके दरमियान दोनों के दरमियान स्टैगर कितना है, इसमें 54 है उसमें 48 है, ये है 54 ये है 48 और गेजेस कितने हैं, ये 65 और ये 100, इस दोनों के दरमियान गेज है 65 और इन दोनों के दरमियान गेज है 90। हमारे पास है पाथ ए बी सी, ए बी डी और ए सी, अच्छा हम कौन सा पाथ सेलेक्ट करें, आप तीन के लिए ए बी डी करें या ए बी सी करें, ए बी सी करें, ए बी सी करें, क्यों, क्यों उसमें कम आएगा, कम, अच्छा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, कम क्यों आएगा, इस फॉर्मूले में गौर करना ज़रा, जो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो रही है ना एस स्क्वायर ओवर 4g, ये जो एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो रही है फॉर्मूले में, हमें पता है जी दोनों के लिए सेम है, तीनों बोर्ड्स के लिए ना, जी के दोनों में 65 आएगा फिर 100 आएगा, ऐसे ही है, अगर ए बी डी पाथ लें या, हाँ बिल्कुल ए बी डी पाथ लें या हम ए बी सी पाथ लें, जी दोनों में सेम है, तो डिफरेंस क्या आ रहा है, वो एस की वजह से आएगा, तो अगर हम ए बी डी लें, ए बी डी के केस में यहाँ पे एस क्या आएगा 54, ए बी से बी डी तो दोनों के लिए एस क्या आएगा 54, ऐसे ही है, फिर हम ए बी सी लें तो पहले एस क्या आएगा 54, फिर क्या एस क्या आएगा 48, इसमें 54 था, इसमें 54 48, तो जिसके वैल्यू कम होगी, मतलब 48 कम है तो उधर वापस ये वाली टर्म की वैल्यू कम आएगी, जिसमें ये टर्म की वैल्यू कम आएगी उसमें नेट एरिया कम आएगा, तो ये शॉर्टकट है, वरना तुम ना दोनों का भी लिए फाइन कर सकते हो, मतलब ए बी डी भी निकालो ए बी सी भी निकालो, उससे भी ठीक है, इन्होंने यही किया हुआ है, मगर ये सिंपल सा हमें ऑब्जर्व करने से नज़र आता है कि इसके अंदर स्टैगर कम है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर वैल्यू कम आनी चाहिए नेट एरिया की, और हमें नेट एरिया क्या चाहिए होता है, कम में चाहिए होता है, मिनिमम हमें नेट एरिया चाहिए होता है, तो ऐसे मामला क्या बनेगा, हमारे पास ए जी वही था, कितना था वो ए जी वही है एन इंटू डी प्लस थ्री, एन हमारे पास एफ थ्री 20+3 टाइम्स 6 और एस स्क्वायर और 4g। अब एस स्क्वायर के लिए पहले क्या चेक करेंगे, ए बी को चेक करेंगे, तो इसके लिए एस क्या है हमारे पास 54 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 × 65 हाँ, प्लस दूसरे वाला कौन सा है 48 स्क्वायर ठीक है 48 स्क्वायर और 4 × 100, तो बस यही डिफरेंस था कि अगर हम ए बी डी सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ 48 की जगह 54 आ जाना था और उससे वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, तो हमें नेट एरिया मिनिमम चाहिए, तो ये वाला एरिया मिनिमम होगा जो गिवन है 1518, उससे देखो ना 54 आ गया था इसके अंदर 48 आ गया था, हल्की सी वैल्यू से ना इंक्रीज हो जाती है, मिनिमम ये सही है।
अच्छा क्या 2.3 अच्छा आपने इसमें उसने सेक्शन दिया हुआ है अच्छा हमारे पास ना ये एल सेक्शन है उसने इसको स्ट्रेट किया हुआ है। स्ट्रेट ऐसे करते हैं मतलब सपोज करो इसके दरमियान डिस्टेंस है 102 इसके दरमियान डिस्टेंस है 51 ठीक है ये हमारे पास एल सेक्शन है और इसकी थिकनेस सपोज करो 9.1 है हमने इसको स्ट्रेट करना है तो स्ट्रेट ऐसे करेंगे रेक्टेंगल बना लो हमने ये जो ऊपर 102 पार्ट है ना हमने इसको ना इस तरह कट करना है सेंटर से जो ग्रीन लाइन मैं इधर सेंटर से कट कर रहा हूँ वो इस तरह डॉट लाइन शो कर रहा हूँ मतलब डॉट लाइन तक क्या डिस्टेंस आएगा यहाँ से यहाँ 102 आएगा नीचे वाला आएगा हमारे पास 51 और दरमियान में हम ये जो थिकनेस है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे कि ऊपर वाले से माइनस कर दो या नीचे वाले से माइनस कर दो थिकनेस ना यहाँ पे नेट एरिया को फैक्टर बनाने के लिए ये क्योंकि देखो ना ये 200 थिकनेस ऐड हो रही है मैं अगर इसको इस तरह ये मेरे पास है हमने पहले 102 क्या था यहाँ तक था ऐसे ही कि 102 ये पूरी पट्टी की लेंथ है तो इसमें ये थिकनेस ऐड हो गई इतनी सी अब हम जब 51 निकाल रहे हैं तो 51 क्या है इस पट्टी की पूरी लेंथ है तो इसमें भी ये दोबारा थिकनेस ये दो थिकनेस ऐड हो रही है तो ये 2 थिकनेस ऐड हो रही है इसलिए हमने ना इसको एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर देना यहाँ से ना या फिर ऊपर वाले से माइनस करो नीचे वाले से माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता एक ही बात है एक ही आंसर आएगा तो बस याद रखना कि इसमें एक दफा थिकनेस माइनस करेंगे तो उसने कहा कि ये हमारे पास एक एंगल सेक्शन है एल सेक्शन इससे गेजेस ये था गेजेस का पता है ना कि उधर एल एफ डी टेबल में टेबल है इसका एल एफ डी में सही है ना पता है हाँ हाँ ठीक है बैक उसमें भी दिया हुआ बुक अच्छा बुक में दिया हुआ वैसे लेकिन उधर 100 पेज है मेरे ख्याल से हाँ हमने ना बुक को छोड़ दो वो नहीं देख अच्छा। उस देखनी नहीं है क्योंकि वो तो हमने ले के तो जाना ही नहीं ना अच्छा तो इसके अंदर ये देख लो ये मेरे पास है तो उसने इसको क्या कहा हुआ है कि फर्स्ट वाले को गेज वन का नाम दिया दूसरे वाले को गेज टू का नाम दिया अगर दो गेज हो अगर एक गेज हो तो सिंपल जी उसने दे दिया ये हमारे पास स्टैंडर्ड गेजेज है डिस्टेंस हम कितने में लगाने हैं तो इसने ये वही चीज़ ये हमने डिस्टेंस वहाँ से देखे हैं एल 152 के लिए सही हो गया तो एल 152 के लिए हमने ये सर्किट देख लिए क्या अब उसने ये सारा कुछ हमें पता है जो हमारा ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन है जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है उसमें बताऊँ ये मतलब क्या हमें पता चलता है कि हमारे पास बोर्ड से हमारा डिस्टेंस क्या है ये तो हमें पता है कि एक सेक्शन के ऊपर ये एक सेक्शन के ऊपर के ऊपर एक ये 64 वाला ऊपर है 57 वाला नीचे है और ये नीचे 64 वाला ये है ये तीनों एक सेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल कैसे वो है हमारे पास असल में सेटिंग कैसी है उनकी वो हमें इस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पर चल रहा है इसमें क्या बता रहा है कि ऊपर वाला गेज और ये जो नीचे ये दूसरी जो लेंथ में है ना ये वाला गेज ये दोनों गेजेस ना एक लाइन में ऐसे ही है ये दोनों एक लाइन में और ये सेंटर वाला गेज जो है वो स्टैगर्ड है स्टैगर का डिस्टेंस उसने बताया 76 फिर वो ही दोबारा रिपीट हो रहा है कि ऊपर वाले दोनों गेजेस फिर ये सेंटर वाला गेज तो इसने स्टैगर्ड स्टैगर्ड किया होता तो इसने इसको स्ट्रेट किया है स्ट्रेट कैसे किया है कि ऊपर वाला गेज वही है नीचे वाला गेज ये नीचे है और ये दरमियान में ये स्टैगर्ड वाला गेज है जो 76 डिस्टेंस था और इनके दरमियान डिस्टेंस हमें ऊपर नीचे के दरमियान गेज 2 जो दिया हुआ है वो 64 है वो हमें पता है ठीक है 64 जो नीचे वाले के दरमियान है ये इसका गेज जो है 57 मतलब एंड तक है 57 इसका है 64 तो अगर एल इसको मैं बनाऊँ ना इस तरह यहाँ से गेज से लेकर 57 इस तरह और यहाँ से लेकर इस तरह 64
तो टोटल डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान क्या होगा अगर हम स्ट्रेट करें तो 57 प्लस 64 माइनस थिकनेस। थिकनेस क्यों माइनस की, क्योंकि दोनों में थिकनेस एक एक दफ़ा ऐड हो रही है, दो दफ़ा ऐड होगी हमने एक दफ़ा निकाल दी ताकि एक दफ़ा रहे डबल हो गए तो काम, तो उसने 108 निकाल लिया। अब बाकी सारा काम वही है कि अब हमें पता क्या स्टैगर्ड पत्थर 76 है, वर्टिकल पाथ बन गया एक ये ए बी सी वर्टिकल पाथ, ए सॉरी ए सी हमारे पास वर्टिकल पाथ है, जो हमारे पास स्टैगर्ड पाथ बनेगा वो ए बी सी बनेगा या ए बी डी बनेगा, इसमें कोई भी ले लो एक ही बात है, क्योंकि इसमें देखो अगर स्टैगर देखो दोनों में है क्या है 76, तो स्टैगर सेम है तो मतलब दोनों सा मर्जी पाथ तो दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, इसलिए उसने क्या हुआ पाथ ए बी सी एंड ए बी डी दोनों सेम है तो उनका नेट ये आ गया। तो ये ठीक है बस अब इसमें okay. देखो ये हमारे पास नेट एरिया जो हमारा मिनिमम है वो वर्टिकल का है, तो हमेशा ये चेक करना कि वर्टिकल और स्टैगर्ड, स्टैगर्ड का इंक्रीज हो जाता है थोड़ा सा, स्टैगर्ड का दो काम है ना, एक होता है डिक्रीज क्योंकि बोर्ड्स कम हो गए बोर्ड ज़्यादा हो गए उनसे डिक्रीज हो जाएगा एरिया, प्लस स्टैगर्ड से इंक्रीज हो जाएगा, तो उन दोनों का इफेक्ट नेट इफेक्ट से हमें बदलता है क्या हो? सही है, ये हमारे पास सिंपल नेट एरिया इफेक्टिव एरिया पे ओके okay. अब हमने आना है कैपेसिटी चेक, ये कह रहा है 2.4 अच्छा वो कह रहा है कि शीयर रप्चर फेलियर, चलो इसके लिए भी सिंपल सर है ये हमारे पास ये सेक्शन है, इस तरह क्वेश्चन आ जाता होता है उसे, ये यहाँ पर एल सेक्शन है, तीन बोर्ड्स लगे हुए हैं उसके दरमियान 38, 76, 76 और 38 ठीक, याद रखना ये हमेशा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया होता है बोर्ड के दरमियान आंसर में आता है 38 ए बी सी ठीक है। अच्छा वो कह रहा है कि हमने इसकी कैपेसिटी चेक करनी है, दो तरह काम होते हैं, एक हमारे पास होता है कि हमने इसका डिज़ाइन करना है, दूसरा होता है हमने इसकी कैपेसिटी चेक करनी। डिज़ाइन क्या करना था, जब हमें सिंपल लोड्स गिवन हो, अगर लोड्स गिवन हो तो हमने उसका सेक्शन खुद सेलेक्ट करना है, उसको सब कुछ करना है, वो हमारे पास डिज़ाइन है। और कैपेसिटी चेक किया है कि हमें बस सेक्शन गिवन है कि ये सेक्शन असल में लगा हुआ है, हमने कैपेसिटी देखने की मैक्सिमम कितना लोड बियर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में जब हमें एल सेक्शन उसने दे दिया है तो हमने इसे क्या करनी है, कैपेसिटी चेक करनी है, इसने डायमीटर दिया हुआ 310 है हमारे पास, 3 है डायमीटर हमारे पास, डी हमारे पास 20 है और 10 एम एम गज प्ले की थिकनेस है, 10 एम एम थिकनेस हमने ना इन दोनों में से कम लेनी होती है, मतलब देखो एल सेक्शन की थिकनेस है 64.4, गजट प्ले की थिकनेस है 10, तो हमें कम वाली लेनी तो कम वाली कौन सी होगी 6.4, हम थिकनेस टी ये यहाँ पे ना 6.4 का फिर करेंगे, गजट प्ले को इग्नोर करो वो ऐसे ही। तो सबसे पहले हमारे पास कैपेसिटी चेक करना है, हमें सबसे पहले इसकी ना टेंशन की कैपेसिटी निकालनी है, तो 480 TN क्या होता है, ये दो तरह के हैं, एक हमारे पास है यील्डिंग के लिए, एक हमारे पास है फ्रैक्चर के लिए, ठीक है हमारे पास दो तरह के टेंसाइल कैपेसिटी चेक हैं, और याद रखना ये उसने लिखा है LRFT प्रोसीजर, ये हम LRFT कर रहे हैं, हम ESD नहीं कर रहे, ESD भी वैसे शायद आ जाए वो भी चेक कर रहे हैं। तो यील्डिंग के लिए, यील्डिंग के लिए क्या होता है 5T TN, 5T वैसे ही अगर TN जो नॉर्मल कैपेसिटी होती है वो क्या होती है FY जो हमारे पास यील्ड स्ट्रेस है मल्टीप्लाई बाय AG ग्रॉस एरिया, मतलब यील्ड स्ट्रेस इंटू ग्रॉस एरिया हमारे पास यील्डिंग में कैपेसिटी है, और फ्रैक्चर में कैपेसिटी करती है 5T वैसे ही आ गया, और FY यील्ड नहीं अब यूज़ करेंगे हम FU करेंगे अल्टीमेट स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस उसका यील्डिंग का स्ट्रेस होता है, फ्रैक्चर स्ट्रेस अल्टीमेट स्ट्रेस होता है, और इसके अंदर एरिया भी हम कौन सा यूज़ करेंगे AN मतलब नेट एरिया, जब हमारे पास नेट एरिया जो ग्रॉस है नेट एरिया निकालते हैं ना वो, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम यू से, यू हमारे पास है शेयर लैग फैक्टर, या ये हम निकाल लेते हैं टेबल से बदल जाता है, या फिर हम अगर फुल गिवन और स्पेसिफिकेशन उससे भी हम निकाल सकते हैं,
तो ये मेरे पास दो तरह के चेक हैं, कैपेसिटी चेक, एक मेरे पास यील्डिंग है, एक मेरे पास है ये स्ट्रक्चर। यू कहाँ पे है? यू की वैल्यू अगर हमें गिवन ना हो कुछ भी, तो यू की वैल्यू हमने यहाँ पे सपोज कर ली शीट लग सकती। वो उसने सारे सेक्शन बताए हुए हैं कि डबल एंगल के लिए हमने कौन सा लेना है, सिंगल एंगल चैनल के लिए कौन सा लेना है वगैरह वगैरह, यू की वैल्यू बताई हुई। तो ये पहले हमने, अगर हमें पूरी ये स्पेसिफिकेशन ना गिवन हो, ये हमें ना गिवन हो, तो हमने फिर एज्यूम कर लेना है कि सेक्शन को देखे कि यहाँ पे सिंगल एंगल था ना, फॉर सिंगल एंगल L2102×102, ये सिंगल एंगल था, तो उसके लिए हमने एज्यूम कर लेना था। क्योंकि यहाँ पर पूरा गिवन है, तो उसने यहाँ पे बताया कि प्रेफरेबल एक्सप्रेशन क्या है, 1 - x/L, 1 - x^L, ये हमारे पास है प्रेफरेबल एक्सप्रेशन। कि अगर हमें पूरी सब कुछ फुल कनेक्शन डाटा गिवन हो, तो फिर हमें ये यूज़ करना है। अगर ये यूज़ नहीं, अगर ये फुल कनेक्शन डाटा गिवन नहीं, तो फिर वो कह रहा है डी से एच तक जो नीचे है ना, भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज़ कर लो। तो किधर से अच्छा एक्स कहाँ से मिलेगा? वो हमें टेबल से मिलेगा। मतलब हमारे पास ये हमारे पास एल है 102×102×6.4, तो इसके टेबल में जाओ। यहाँ पर हमारे पास एल सेक्शन का टेबल किधर है? सेकंड एंगल 102×102×6.4, ये देखो ये 102×102 है और ये है 6.4 वाला। ये एक्स बार कहाँ पर है? यहाँ पर देखो ऊपर ये चीज़, एक्स बार कहाँ, क्या है वैल्यू इसकी? 27.7। एक्स बार एक्स एक ही चीज़ है, कन्फ्यूज नहीं होना। तो एक्स बार की वैल्यू हमारे पास है कि 27.7। तो हमारे पास फॉर्मूला कितना, 1 - x/L। अच्छा एल क्या है? टोटल कनेक्शन लेंथ, कनेक्शन लेंथ कितनी है हमारे पास? यहाँ पे देखो कनेक्शन लेंथ होती है एक एक्सटीरियर बोल्ट से लेकर टोटल इंटीरियर बोल्ट के दरमियान। मतलब ये बोल्ट है एंड पर, ये बोल्ट है दोनों एंड, दोनों एंड्स के बोल्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो एल होगा। सही है कि एल होगा जितनी भी हमारे पास लेंथ है। अगर वेल्डिंग है तो वेल्ड की लेंथ जो आएगी वो होगी। अगर हमारे पास बोल्ट लगे तो एक बोल्ट जो एक्सटीरियर बोल्ट है उससे लेकर दूसरे एंड तक का बोल्ट, इन दोनों बोल्ट के दरमियान का डिस्टेंस होगा वो एल होगा। तो यहाँ पर कितना है? 76 और 76, वेल्ड के लिए, वन तो फिफ्टी टू वेल्ड के लिए हम सारा लेंगे, उसमें तो सेंटर टू सेंटर नहीं आएगा। उसके लिए वेल्ड की लेंथ का, वेल्ड की लेंथ अच्छा ऊपर नीचे होती है ना। यहाँ पर एक वेल्ड इधर लगा होगा या फिर एक वेल्ड यहाँ पर नीचे लगा होगा, इसमें वेल्ड होते हैं। तो ये जो लेंथ आएगी वो हमारे पास एल होगा, बड़ी वाली लेंथ कनेक्शन लेंथ होते हैं। तो एल आ गया इसके अंदर 152। हमारे पास फॉर्मूला क्या था? ये हम पहले यू निकाल रहे हैं, यू इज इक्वल टू 1 - x/L। तो x हमारे पास है 27.7 जो हमने टेबल से देखा है, l हमारे पास है 152। ये निकालो तो हमारे पास u आ गया, u आ गया 0.82। दो डेसिमल तक राउंड ऑफ कर लेना, कोई मसला नहीं, ये भी हम देख ही रहे हैं। अब बस हमारे पास u आ गया, अब क्या करना है हमने? ग्रॉस एरिया निकालना है। ग्रॉस एरिया कैसे आएगा? ये टेबल में जाओ, ये हमारे पास एरिया क्या है, ये 1250, ये ग्रॉस एरिया ही, सिंपल। ए जी हमारे पास आ गया 1250। ए एन क्या आएगा हमारे पास? ए जी माइनस एन इंटू डी प्लस टी टाइम थिकनेस। एन हमारे पास क्या था यहाँ पर? अच्छा एन के लिए हमेशा याद रखना वर्टिकल सेक्शन काटना है। हम जो पहले भी देख रहे थे ना ए डी ए बी वगैरह, हमेशा वर्टिकल सेक्शन काट रहे थे। तो वर्टिकली हाँ, कितने बोल्ट्स आ रहे हैं? इधर तो 1 आ रहा है। 1 नहीं, किसी भी सेक्शन पे काटोगे तो 1 बोल्ट ही आएगा मैक्सिमम एक सेक्शन में। तो 1 बोल्ट आ रहा है, तो एंड हमारे पास क्या होगा? 1। डी हमारे पास कितना है? वो 20 है, जितना भी दिया हुआ है क्वेश्चन में गिवन होगा। थिकनेस हमारे पास जो एंगल की थिकनेस है 6.4, जो थर्ड डायमेंशन होती है वो थिकनेस ही होती है। तो ए एन और ए जी आ गए, सही हो गया। अब हमने क्या करना है? सिंपल फॉर्मूला यूज़ करो। हमारे पास फाइव टी टी एन यील्डिंग में क्या था? FYAG यील्ड स्ट्रेस हमारे पास 250 है, उसमें A36 स्टील का है। A36 का स्टील क्या होता है? 250 होता है FY। और A36 के लिए हमारे पास FU होता है 400। तो बस
एफ वाई इंटू ए जी ये आ गया और हमारे पास एफ यू क्या है 0.75। अच्छा फाई दूसरों दोनों में यील्ड में फाई हमारे पास होता है 0.9 और फ्रैक्शन फाई होता है हमारे पास 0.75। ये भी याद रखना 0.9 0.75 ये एफ वाई है, ये एफ यू है, ये हमारे पास है ग्रॉस एरिया, ये हमारे पास है ये पूरा नेट एरिया, ये नेट एरिया यही हमारे पास है यू। तो 1000 डिवाइड किया ज़रूरत नहीं है, वो हमारे पास आंसर रखा 1000 डिवाइड ना करो तो न्यूटन्स में आएगा, उसको उसने कन्वर्ट करके कर लिया किलो न्यूटन्स में, तो उसका कोई इश्यू नहीं, लिखो ना लिखो चलो खैर ओके। वही अब हमने कैपेसिटी कौन सी लेनी है, मिनिमम वैल्यू। अच्छा ये इफेक्टिव एरिया इफेक्टिव है ये नेट इफेक्टिव एरिया होता है कि तीन तरह के एरिया है, एक हमारे पास ए जी वो हमारे पास है ग्रॉस एरिया, ये डायरेक्ट हमें टेबल से मिल जाता है ग्रॉस एरिया। ए एन है नेट एरिया जो हमारे पास होता है आर इंटू ए जी, आर कोई भी रिडक्शन फैक्टर है वो इसका होता है, आर क्या होता है रेशियो ऑफ ए एन ओवर ए जी। ये कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा कि सपोज आर इज इक्वल टू 0.8 0.85। आगे हम ना डिज़ाइन वाला सॉल्व करते हैं तो उसमें शुरू में हमें एज्यूम करना पड़ता है कि इसको हम 0.8 लेते हैं से 0.9 तक, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं 0.8 से 0.9। ज़्यादातर अगर हमारे पास सेक्शन आई सेक्शन है तो 0.85 ले लेते हैं, एल सेक्शन हो तो 0.8 लेते हैं, वो भी देखते हैं। तीसरा हमारे पास है ए इफेक्टिव इफेक्टिव एरिया, वो होता है यू इंटू ए एन। तो असल में यहाँ पे सही कह रहे हो, यहाँ पे इफेक्टिव एरिया यूज़ होगा मगर वो डायरेक्ट वो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तुम यू इंटू ए एन ही लिख दो उसको, एफ यू इंटू ये असल में ए ई ही है, मगर वो डायरेक्ट लिख दो कुछ मसला शेयर लैक फैक्टर इंटू ए नेट नेट एरिया वो इफेक्टिव एरिया देखता है, वो हमारे पास ये आ गए ठीक है। अच्छा ये हमारे पास है टेंशन कैपेसिटी, अब हमने शेयर लैग से देखना है कि शेयर लैग फेलियर, शेयर लैग फेलियर क्या होता है वो हमारे पास के एक सेकेंड वेट कर, ये चीज ये आ रही नजर कि ये शेयर लैग है कि हमारे पास सेक्शन भी ठीक है और कनेक्शन भी ठीक है, मतलब कनेक्शन भी टूटा सेक्शन भी टूटा, क्या फेल हुआ है जो इन दोनों के दरमियान वाला इंटरफेस है, सेक्शन और कनेक्शन के दरमियान जो इंटरफेस है वो ही टूट गया, तो ये हम कहते हैं शेयर लैग फैक्टर शेयर लैग फेलियर, सॉरी शेयर फेलियर। तो ये हम चेक कर रहे हैं शेयर लैग से, यहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन होती है तो हम शेयर वो चेक करते हैं उसको भी देखते हैं। तो अच्छा जो हमारे पास इसमें दो तरह के शेयर फेलियर में दो तरह की चीज़ें आती हैं शेयर लैग फेलियर में ना, एक हमारे पास है शेयर फेलियर, एक हमारे पास है टेंशन फेलियर ठीक है, शेयर फेलियर और टेंशन फेलियर। शेयर फेलियर कौन सा है कि जो टेंशन फोर्स या जो कंप्रेशन फोर्स, जो कंप्रेशन फोर्स में नहीं होता सॉरी टेंशन फोर्स में ही होता है, कंप्रेशन फोर्स में शेयर लैग नहीं हो सकता, तो क्योंकि वो तो टूट नहीं सकता ना, तो उसको आगे कंप्रेस कर रखो बाहर निकल नहीं सकता। तो अगर टेंशन फोर्स के जो पैडल एरिया है ये जो टी देखो टी इधर जा रहे हैं तो इसके पैडल क्या है, ये स्ट्रिप नहीं आएगी, देखो टी के पैडल जो टी के पैडल होगा वो होगा शियर में, ये हमारे पास है शियर में, और जो टी के परपेंडिकुलर होगा वो एरिया होगा टेंशन में, सही हो या अपना। चलो अगर हम ना इसकी एग्जाम्पल लें, यहाँ पे टी क्या आएगा, चलो इसको एक मिनट बाद में देखते हैं, इसका थोड़ा सा एक चीज़ अलग है, ये हमारे पास स्ट्रिप जो है ये है हमारे पास, ये जो ऊपर वाली स्ट्रिप है ये हमारे पास है शीयर में, और जो वर्टिकल स्ट्रिप है ये हमारे पास है टेंशन में। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला ये, इसका फॉर्मूला शीयर लैग का फॉर्मूला ये है, ये चीज़ एक ये फॉर्मूला है एक ये फॉर्मूला है, मैं सिंपल सा कर बताऊँ तो हमारे पास एक मतलब दो फॉर्मूले हैं दोनों का हमें चेक करना है, जो हमारे पास सेम है वो है यू बी एस ए एन टी, ये हमारे पास नेट एरिया इंटेंशन है और एफ यू, यू बी एस ए एन टी और एफ यू, ये हम क्यों कर रहे हैं कि एफ यू और ए एन टी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये याद रखो ये हमेशा शेयर लैग में ना एम सी क्यू भी है कि फेलियर होता किस तरह का है, ये रप्चर फेलियर होता है शेयर लैग में,
ये को टूट गया है, यील्डिंग का मतलब है कि एक्सेसिव डिफॉर्मेशन हो गई है, टूटा नहीं है यील्ड, वो मतलब लेंथ बहुत इंक्रीज हो गई है, टूटा नहीं है, वो यील्डिंग होती है। फ्रैक्चर का मतलब या रप्चर का मतलब कि टूट गया है, ये को टूट गया ये। तो ये हमारे पास है, ये हमारे पास दोनों में हमने नेट जो नेट यूज़ करें और फ्रैक्चर स्ट्रेस यूज़ करें, क्योंकि हमें पता है कि शेयर लैग में फील्ड कौन सा होता है, हमेशा वो ये टूटने वाला फील्ड होता है, फ्रैक्चर वाला। अच्छा अब दो दूसरी चीज़ है कि शेयर की, तो शेयर का ये हमारे पास है टेंशन के लिए, ये दोनों है टेंशन का, शेयर के लिए हम यूज़ करेंगे। तो शेयर में दोनों तरह के हो सकते हैं कि हमारे पास शेयर में, हमारे पास शेयर के लिए हमारे पास फाई क्या होता है, याद होगा अभी हमने ना ये शेयर से पढ़ा था, शेयर के लिए फाई क्या होता है 0.75। तो अगर वो डायरेक्ट में ये लिखा होगा 0.75 इंटू नेट एरिया, सॉरी चलो पहले हमने लिख लेते हैं ग्रॉस एरिया एंड शेयर, ए जी वी कि हमने ग्रॉस एरिया एंड शेयर इंटू एफ वाई। जब ग्रॉस एरिया आएगा तब यील्ड स्ट्रेस आएगा, दूसरा क्या होगा 0.75 ए एन वी के नेट एरिया एंड शेयर, वी का मतलब शेयर है और एफ यू। तो ये हमारे पास स्टैंड डिडक्शन फैक्टर, एरिया स्ट्रेस, ये हमारे पास कैपेसिटी का यही फॉर्मूला होता है बेसिक। अगर देखो ना ये फाई और टी एन क्या होता है कि हमारे पास जो भी यील्ड स्ट्रेस है टाइम्स जो भी हमारे पास एरिया है, सही है। ये दोनों फॉर्मूले वैसे तो बुक में लिखे हुए हैं, तो एल आर डी में लिखे हुए हैं, अगर ये समझ लो थोड़ा सा अच्छी बात है। नहीं समझ आ गई, समझ आ गई, ठीक है। तो अब बस ये निकालना है कि अब हमें क्या चाहिए, हमें एफ वाई एफ क्यू तो हमें हमेशा गिवन ही होते हैं, जो हमारे पास ए 36 स्टील है तो वो है, अगर हमने 345 दिया हुआ है स्टील तो उसके डिफरेंट होंगे, उसके लिए भी ना ये पहले पेज पे गिवन है। अगर क्वेश्चन ए 36 का ही आता है तो उसके लिए कोई याद नहीं, याद कर लो बस टेंसाइल प्रॉपर्टीज में ना देखो कि अगर हमारे पास कितना कितना है, तो ये क्लियर किया तो उसने ग्रेड्स के मुताबिक बताया हुआ है कि ये 250 है तो 400 ये है तो सारा कुछ, अगर याद कर लो 250 है हमारे पास होगा एफ वाई एफ यू हमारे पास 400 होगा। हमने जो चीज़ चाहिए वो हमें क्या चाहिए, नेट एरिया एंड टेंशन, ए एन टी और ए जी बी और ए एन बी, तीन चीज़ें चाहिए। तो ये हम निकाल लेते हैं, सबसे पहले निकालते हैं ए जी बी, चलो ए जी बी ग्रॉस एरिया एंड शेयर। ग्रॉस एरिया क्या होता है कि हमने ये मैंने कहा था कि ये टेंशन के परपेंडिकुलर लाइन है वो हमारे पास वो शेयर में है, ये हमारे पास फोर्स से टेंशन लग रही है, फोर्स को याद देखना और करना, ये हमारे पास तीन बोल्ट हैं, तो जो शेयर के लिए एरिया होगा वो ये होगा ये, ठीक है, इस बोल्ट के सेंटर तक का ऐसे ही। तो ये है 38, ये है 76, ये है 76, ग्रॉस एरिया शेयर क्या होगा 38 प्लस 76 प्लस 76 मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, थिकनेस ऑफ सेक्शन कितनी है 6.4, एंगल 6.4 का, सही है। क्रॉस एरिया हमने कैसे निकाल लिया, ये जो टेंशन के पैरेलल लाइन है वो हमारे पास क्रॉस एरिया, नेट एरिया कैसे आएगा ए एन वी, ए जी बी जो हमारे पास निकाला है ए जी बी जो भी आ गया माइनस एन इंटू डी प्लस थ्री टाइम थिकनेस, सही है। एन एन क्या लें, अब देखो एन एक वोल्ट पूरा आ रहा है, दूसरा वोल्ट पूरा है, तीसरा सेंटर तक आ रहा है, हाफ आ रहा है, ठीक है। तो हम एन क्या लेंगे 2.5, डी प्लस थ्री 20 प्लस थ्री टाइम थिकनेस 6.4, सही हो गया। ये हमारे पास ग्रॉस एरिया का, ये हमारे पास नेट एरिया आ गया, सही है। और टेंशन के लिए मैंने कहा था कि जो फोर्स के परपेंडिकुलर, ये चीज सही है, फोर्स के परपेंडिकुलर, तो हमारे पास ग्रॉस एरिया टेंशन क्या आएगा ए जी टी कह लो, ये हमें जरूरत नहीं है वैसे ही निकाल रहे हैं काम आसान करने के लिए। तो ये हमारे पास 38 सपोज करो 38 था, 38 टाइम्स 6.4 ये हमारे पास ग्रॉस एरिया एंड टेंशन आ गया, और ए एन टी क्या आ गया नेट एरिया एंड टेंशन, तो ए जी वी ए जी टी सॉरी माइनस एन इंटू डी प्लस थ्री टाइम थिकनेस। अब यहाँ पे एन क्या है, अब देखो ये भी ये आधार है 0.5, बिल्कुल 0.5 टाइम्स डी प्लस थ्री और 20 प्लस थ्री जो भी हमारे दी है टाइम थिकनेस, थिकनेस 6.4, सही हो गया। ए जी वी ए एन वी ए जी टी ए एन टी ये चार चीज़ें बस हमने निकालनी है,
एजीटी की तो वैसे जरूरत नहीं है, वैसे निकाल लिया हमने। अब यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करो वैल्यूज, बाकी तुम्हें सारा कुछ पता है। यूबीएस वन होता है, हाँ यूबीएस वन, यूबीएस वन है, बाकी सारा कुछ पता है, वैल्यूज निकाल दो। ठीक है, ठीक है, ये उसने बस वैल्यूज पुट किए और वो आंसर निकाला। जो लेसर वाली चीज़ होगी वो हमारे पास कैपेसिटी होगी, हमने इसको कंपेयर करना है, और ये टेंशन की कैपेसिटी आई थी इसको कंपेयर करना है। मतलब ये कैपेसिटी में हमेशा कम वाली लेनी, जिस जो सबसे कम वैल्यू आ रही है जिस सब चारों में से वो हमने ले लेंगे। दो वैल्यू एक ये है, दो ये है, तीसरी ये थी आई थी, और चौथी ये आई थी, चार वैल्यूज आई थी हमारे पास कैपेसिटी की। हमने जो उसकी मिनिमम होगी वो उठा लेनी है, तो वो बता देनी कि मिनिमम क्या है, ये हमारे पास ये आ गई। तो वो कह रहा है कि कैपेसिटी रिड्यूस होगी 271, अगर हमारे पास ब्लॉक चेन होगा 271 थी, उससे रिड्यूस होकर 187 तक हो गई, ब्लॉक चेन इतनी कम कर दी कैपेसिटी उसने, ऑलमोस्ट हाफ कर दी। ठीक है, ये रिवेट और बोल्ड में क्या फर्क होता है? रिवेट और बोल्ड में हमारे केस में फर्क नहीं है अभी, अभी मिड्स के लिए ना छोड़ दो उसको, वो चैप्टर 8 में आएगा कि हमने रिवेट और बोल्ड में मतलब करना क्या कनेक्शंस। अभी के लिए बस फॉर्मूला डिफरेंट है उसका, याद करो कि रिवेट में क्या होता है, n into d plus t टाइम थिकनेस, ऐसे ही है। बोल्ड के लिए क्या होगा, n into n जो भी वो नंबर ऑफ बोल्ड्स हैं, d plus 2 टाइम थिकनेस आ जाएगा, और वहाँ पे d क्या होगा, डायमीटर ऑफ होल, होल की होल। और सही, ये लिखा हुआ है पीछे, देख देख लेना वो एक दफा ना, चैप्टर 2 का स्टार्ट पढ़ लेना। हाँ वो सही है, देखो। और यहाँ पर इसके ना बोर्ड्स के वो बताए भी हुए हैं कि मैं कर देखाऊँ कि बोर्ड्स के शियर लैग फैक्टर नहीं, चलो वो देख लेना। यहाँ पे ना बोर्ड्स के बताए हुए हैं कि बोर्ड के होल्स के ना पूरा टेबल है, ब्लॉक शियर ये है, ये बोर्ड होल डायमेंशन, हाँ ये देखो ना, यहाँ पर ये बोल्ट का डायमीटर है इतना, क्योंकि तो हमने यूज कौन सा करना है, होल का मेजर, याद रखना ना, होल का डायमीटर यूज करना है। और फॉर्मूला क्या है, n इंटू डी प्लस टू टाइम्स h और टाइम्स थिकनेस, सही है। अच्छा, इस तरह क्वेश्चन आया था हमारे पास पेपर में, सही है। इसमें बताओ नेट, बाकी वो टेंशन कैपेसिटी तो तुम निकाल लोगे, वो सिंपल ही है। हमें ये आएगा कि नेट एरिया मतलब ग्रॉस एरिया एंड शीयर कौन सा आएगा इन दोनों में, इसमें आप वहाँ पर सपोज करो फोर्स लग रही है टी, इस तरह टी अंदर अंदर की तरफ लग रही है, टी मतलब हॉरिजॉन्टल है, अंदर की तरफ नहीं लग सकती ना, अंदर की तरफ तो वो कंप्रेशन हो जाएगी, सेपरेट करना है टी ने। हाँ बाहर बाहर के तो वही तो मतलब हमारे पास, हाँ तो ये जो हॉरिजॉन्टल है हमारे पास वो आ रही है, शेयर आ रही है, वो शेयर आ रही है बिल्कुल। अच्छा देखो, अब ये शेयर एक ये है, एक शेयर ये है, अब दो शेयर आ गए, तो बस क्या करना है कि तुमने क्या करना है कि एक बोल्ट है, ये आधा बोल्ट आएगा, ये पूरा बोल्ट, ये पूरा बोल्ट, ये पूरा बोल्ट, मतलब बोल्ट कितने हैं तुम्हारे पास, 3.5, ये पूरा बोल्ट है, ये पूरा बोल्ट है, ये पूरा बोल्ट है, ये आखिरी वाला क्या होता है, आधा आता है, ये नज़र भी आ रहा है कि आधा बच गया पीछे, ऐसे ही अच्छा आधे तक आएगा उसका एरिया ना, तो यहाँ तक हमें डिस्टेंस लेना है, ये हमारे पास जो भी लेंथ निकाल लेनी है। अच्छा, और ये किधर गया, ये हमें लेंथ निकाल ली इतनी, चलो ये मैं इधर निकली निकालता हूँ, ये लेंथ ये थी, तो लेंथ वही निकाल ली, बस क्या करना है जो हमारे पास क्रॉस एरिया आएगा उसको एंड में ना 2 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि ये दूसरी लेंथ भी है, सही है, एक ऊपर वाला लाइन की एक नीचे वाला लाइन, ठीक है, टेंशन वाला वही रहेगा सेम, क्योंकि वो तो वो अगर ये 38 अगर ये है तो होल्ड के दरमियान डिस्टेंस, तो वो वही रहेगा। ये जो हम होल्ड एरिया हाफ लेते वो गजट वाले साइड पे नहीं ले रहे कि मतलब बायर वाली साइड पे ले रहे हैं, कौन सा, ये जो हम हाफ कर मतलब जो एन को हम हाफ करते हैं, वो बोर्ड को देख कर ना, वो हमने ना डिस्टेंस लेना था सेंटर सेंटर के, हम देखो ना 1 2 3 1 2 3, हमारे पास शीयर में देखना है तो हमने इसके सेंटर तक देखना है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो एक बोर्ड पूरा आ गया, दूसरा बोर्ड पूरा आ गया, तीसरा बोर्ड आधा आया, नहीं उसी में सर ये कहना है कि जो हम ये हाफ लेते हैं ना एन, तो मैं कह रहा हूँ गजट प्लेट वाले साइड पे लेंगे हाफ के मतलब बायर वाली साइड पे लेंगे हम हाफ,
कोई मतलब इधर तक तो ये इधर से नहीं होगा, मतलब ये इधर बोल्ड तो आ ही सकता है ना, बोल्ड जी हमेशा हाफ इधर से होना है, यहाँ पे तो यहाँ से थोड़ा सा गैप होगा ही होगा। अच्छा ये ऐसा लेना है, और अगर दूसरी साइड पे देखो तो वो भी इधर से इस तरह ही होगा, इसके हाफ तक ना, एक दो, तो या फिर तुम तो पांच बोर्ड से लो, पांच बोर्ड ले लो, उनको मल्टीप्लाई कर दो लेंस से, या फिर तुम तो इस यही फॉर्मूला यूज़ करो और एंड में इसको ग्रॉस एक और टू से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि दो लेना है सेम वो सही है ही है। और टेंशन के लिए क्या आएगा, इसके सेंटर से लेके इस सेंटर तक, हाँ जी तो बोर्ड क्या आ जाएगा, आधा ये जी आधा ये, तो बोर्ड क्या हो जाएगा, एक बोर्ड हो जाएगा, एन वन हो जाएगा। सही सही है। है। और कनेक्शन लेंथ क्या होगी इस केस में, आउटर बोर्ड से लेकर इनर मोस्ट बोर्ड तक का डिस्टेंस, ये होगा एल, अच्छा ये मैक्सिमम जितने बोर्ड्स हैं, मतलब एक दो तीन चार पाँच छः सात जितने बोर्ड्स हैं, आउटर बोर्ड से लेकर सेंटर से लेकर इनर बोर्ड के सेंटर तक का डिस्टेंस ये होता है एल, उसमें ये चीज़ नहीं आती, ये चीज़ नहीं आती। सही है, सही सही है हो गया, ये याद रखना बस, ये पेपर में आया था मेरे। अच्छा ठीक है ये हम सारा कुछ कर लिया अब हमने, अब हम आ रहे हैं कैपेसिटी चेक के ऊपर। कैपेसिटी फोर टू पॉइंट फोर तो वही थी, सही टू पॉइंट फाइव। हमने फैक्ट्री लोड कैपेसिटी चेक करनी है डबल एंगल सेक्शन की, A36 है ठीक है, लेंथ उसकी बताई हुई है, उसने बताया हुआ है कि 2 CS 200 × 220.5, तो जब कैपेसिटी चेक का हुआ है उससे 2 CS 220.5 डायरेक्ट टेबल में जाओ, इसका टेबल निकाल लो इसका ना, कि यहाँ पे चाइना सेक्शन कहाँ पे है, 200 × 20.5, तो ये अगर 200 × 20.5 ये निकाल लिया है तो उसमें पता चल गया इसकी डायमेंशन क्या है। मैं क्या करता हूँ कि डायरेक्ट ये जब सेक्शन उसने कह दिया क्वेश्चन में, डायरेक्ट टेबल ये LRD में खोलो, यहाँ पे स्केल रख दो छोटा वाला इस पेज के अंदर, कि ये तुमने यहाँ पे सब कुछ 2 मिनट बाद में ये इसको विजिट करना पड़ेगा। अज्यूम दैट देयर टू, इतने रिम टू रिवेट्स हैं, एन टू है और टायर का 15 mm, और हमारे पास है यू है 0.8, तो सपोज अज्यूम कर ले यू है 0.8, सही है, हमने कैसे चेक करने हैं। तो मैं शो करके दिखाऊं कि डबल चैनल सेक्शन है 2 CS विथ फ्लैंजेस टर्नड आउट, फ्लैंजेस टर्नड आउट का मतलब क्या है कि एक चैनल अगर इस तरह है और दूसरा चैनल इस तरह है, इनके फ्लैंजेस जो है ना वो टर्नड आउट है बाहर की तरफ है फ्लैंजेस, और क्लियर गैप ऑफ 100 mm, क्लियर गैप क्या है इसके दरमियान क्या है, ये चीज़ क्या है 100 mm, सही है, ये चीज़ 100 mm, फ्रेंजेस टर्न आउट ठीक है, और 59 mm, वो कह रहा है हमारे पास एक सेक्शन में ना एक एक फ्रेंज में हमारे पास रिवेट है इस तरह, एक दोनों फ्रेंज में हमारे पास रिवेट है एक एक, और एक सेक्शन में क्या आएगा एन इज इक्वल टू आएगा, वो वैसे ही मैं बता दिया उसने, एक ही बात है, हमने सिर्फ कैपेसिटी चेक करनी है ठीक है। तो कैपेसिटी चेक के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले इसका हमने कैपेसिटी निकालनी है कि बी मिनिमम चेक करना है ठीक है, बी मिनिमम, बी मिनिमम क्या होता है 3.25D+18 या 2.5D+16, ये कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कि अगर परपेंडिकुलर हमारे पास एलिमेंट पर बोल्ट हो तो फिर हमने ऊपर वाला यूज़ करना है, अगर ना हो तो हम नीचे वाला कर सकते हैं, मतलब अगर परपेंडिकुलर एलिमेंट क्या है ये फ्लैंज है, इसका परपेंडिकुलर क्या होता है वेब, तो अगर वेब के अंदर भी बोल्ट होता तो फिर हमें ऊपर वाला यूज़ करना था, क्योंकि अगर वेब के अंदर बोल्ट नहीं है क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम ना नीचे वाला यूज़ कर सकते हैं, हम नीचे वाला यूज़ कर सकते हैं, मगर बुक में क्या किया हुआ है कि उसने कहा हो कि प्रेफरेबल यही है कि सब क्वेश्चन में यही यूज़ कर दो ठीक है, कि प्रेफरेबल ऊपर वाला ही सब में यूज़ करो तो तुम्हारी मर्जी है, नीचे वाला भी कर सकते हैं, वो इस क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है,
मगर बुक में क्या किया हुआ है कि उसने कहा कि प्रेफरेबल ऊपर वाला ही, तो ऊपर वाले करी जाओ सब, उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा मार्जिन, थोड़ी सी एक्स्ट्रा सेफ्टी रहती है। सही है, तो बी में हमारा प्लस क्या है 2, 3, 1, 2, 5 डी प्लस 18, तो डी हमारे पास 18 जो भी आगे तुम अपने वैल्यू निकाल लिए। अब हमने चेक करने पहला स्टेप था हमने बी में निकाल दिया, दूसरा स्टेप हमने इसका टेंशन में एरिया निकाल लिया, टेंशन कैपेसिटी निकाल ली। टेंशन कैपेसिटी क्या होगी, दो तरह की, वो यील्ड और वही फ्रैक्चर, तो फाई टी टी एन, फाई टी टी एन, ये हमारे पास टेंशन की कैपेसिटी। ये क्या होगी फाई टी एफ वाई ए जी यील्ड में, और फाई टी एफ यू इंटू ए एन इंटू यू नेट एरिया ग्रॉस एरिया। तो ग्रॉस एरिया क्या आएगा, डायरेक्ट ये यहाँ पे जाओ, ग्रॉस एरिया इसका कितना है 2610। सही है, और क्योंकि दो चैनल सेक्शन हैं, एक और एक, दो चैनल सेक्शन हैं, तो हमारे पास ग्रॉस एरिया क्या होगा 2 × 2610। एफ वाई हमारे पास वही 250 है, फाई टी हमारे पास है 0.5। सही है, निकला है। सही है। और यहाँ पे अब दूसरे में फ्रैक्चर में एफ टी क्या होता है 0.75 स्टैंडर्ड रिडक्शन फैक्टर। एफ यू हमारे पास 400, यू हमारे पास 0.8, तो उसने सपोज किया है, अगर उसने सपोज नहीं किया तो फिर हम टेबल से भी देख सकते हैं यू के लिए, कोई मसला नहीं। और ए एन हमारे पास क्या है कि ए जी माइनस एन इंटू टी प्लस थ्री, ठीक है सर। तो डी हमारे पास क्या है, वो 16, 18 जो भी दिया हुआ है, एन क्या है 2, ये 2n। सही है, तो वो ए एन भी निकला है हमारे पास, निकाल लो तो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई। सही हो गया, ए हमारे पास फाइव डी टी एन आया, जो बी मिनिमम, बी मिनिमम निकालेंगे उसमें हम डी क्या रखेंगे, बी मिनिमम डायमीटर बोल्ट या रिवेट जो भी है, ये रिवेट है ना, ये मतलब अगर ये ना दिया हो तो मतलब ये देंगे, देंगे देंगे डायमीटर हमेशा कितना होता है। तो हमारे पास देखो दो आ गई, जो मिनिमम वाली होगी वो हमें सेलेक्ट करनी है, उसने वो सेलेक्ट कर ली है। ठीक है, अच्छा अब हम, अच्छा हमने ना पहले बी मिनिमम चेक कर लिया कि बी मिनिमम हमारे पास आया था सपोज कर कितना था, तीन तरह के चेक्स हैं, एक मिनट। तो हमारे पास बी कितना आया था, बी मिनिमम 53 आया था, उसे 2.5 डी से निकाला है, देखो 2.5 डी से निकाला है, मगर 3.25 डी कर लो तो अच्छी बात है, वो उसने बुक में लिखा हुआ है कि वो प्रेफरेबल है हर केस में। अगर हमने थोड़ा सा मतलब इकोनॉमिकल की तरफ जाना है तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, मगर थोड़ा सा सेफ साइड पे जाना है तो 2.3.25 वाला भी कर सकते हैं, वही वाला करते जाओ, एक हर क्वेश्चन में कोई मसला नहीं। तो उसने बी में आ गया बस ये 53, हमने यहाँ पे बी चेक किया, बी कितना था हमारे पास यहाँ पे, विड्थ ऑफ फ्लैंज थी 59, तो बी ग्रेटर देन बी मिनिमम। सही हो गया, पहला चेक हो गया। सही है, एक मिनट अजान हो रही है, मैं उसके बाद दूसरा चेक क्या था हमारे पास, मैं 59 लिख देता हूँ। ठीक है, चलो जान खत्म हो गई है। अच्छा हमारे पास कहाँ पे थे, तीन तरह के चेक्स हैं, एक हमने बी मिनिमम चेक कर लिया, ये बी एफ हमारे पास जो विड्थ ऑफ फ्लैंज है वो ग्रेटर देन बी मिनिमम है, वो क्या आ गया।
दूसरा हमने चेक किया फायर टी एन ग्रेटर देन टी यू, फायर टी एन हमारे पास इधर से आया था, टी यू हमें गिवन होगा कि लोड कितना है हमारे पास, इसको से हमें गिवन नहीं है तो मतलब फायर टी एन ओके ही है, लोड गिवन नहीं है। अगर उसने गिवन होके 1000 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, मान क्यू एस टी आई 1081 तो सही है हमारे पास, ठीक है सेक्शन ओके। तीसरी चीज़ है हमारे पास स्लेंडरनेस रेशियो, वो 300 से कम होनी चाहिए या इक्वल 300 से, और ये 300 किस केस में है कि हमारे पास प्योर टेंशन मेंबर है, ये सिंपल सिर्फ टेंशन की फोर्स लग रही है। अगर हमारे पास कंप्रेशन हो या स्ट्रेस रिवर्सल हो तो हमने क्या करना है, ये स्लेंडरनेस रेशियो लेस देन इक्वल टू 200 हो जाती है, सही है। तो इस केस में हमारे पास 300 ही है जो प्योर टेंशन मेंबर, उसे बताया नहीं कुछ। तो स्लेंडरनेस रेशियो क्या होती है, के एल ओवर आर, या इस केस में ना टेंशन केस में एल ओवर आर मिनिमम कर लो, इसमें के की फर्क नहीं पड़ता है, फैक्टर लेंथ का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ब्रेसिंग वगैरह कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो भी लेंथ है डिवाइड बाय आर मिनिमम, तो हमें आर मिनिमम चाहिए। तो हमारे पास आर कौन से हैं, दो तरह के हैं, आर एक्स और आर वाई, टेबल से देखो टेंशन इसके केस में ना, ये देखो आर एक्स और आर वाई, आर एक्स है हमारे पास 75.9, आर वाई है 15.6, 75.9 15.6, ये हमारे पास आर एक्स आर वाई। अगर हमारे पास सिंगल चैनल होता कि वन सिंगल चैनल है तो फिर तो डायरेक्ट नज़र आता कि आर मिनिमम क्या है, आर वाई, ये कम वैल्यू दैट्स बात है। पर क्योंकि डबल चैनल सेक्शन है तो डबल चैनल में हमारे पास जो अगर जब भी हमने डबल कोई सेक्शन बनाए, डबल एंगल बनाए, डबल चैनल बनाए, तो आर एक्स हमारा सेम रहता है, ये चेंज नहीं होता डबल में भी, जो आर वाई है वो इंक्रीज हो जाता है। हम डबल बनाते ही इसलिए ताकि आर वाई को इंक्रीज कर दें, तो आर एक्स हमारे पास सेम होगा, आर वाई हमारे पास इंक्रीज होगा। तो कितना इंक्रीज होगा ये हमें चेक करना है, जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो देखेंगे हम 75.9 से कंपेयर करेंगे, अगर 79.9 से भी वो फिर भी कम है तो उसको ले लेंगे आर में, अगर 75.9 से ज़्यादा हो गई मतलब आर एक्स ज़्यादा होगी तो फिर आर एक्स बन जाएगा हमारे पास आर में। तो देखते हैं, तो आर का फॉर्मूला क्या है, आर होता है आई ओवर ए का अंडर रूट, ऐसा ही है। ए यहाँ पर क्या है, हमारे पास दो चैनल है, 2 × 2610, एक चैनल का एरिया था 2610, दो चैनलों का आ गया 2 × 2610। आई क्या आएगा हमारे पास, एक चैनल का आई क्या था हमारे पास, आई भी दिया होता इधर, हाँ आई भी दिया हुआ है। अच्छा हमने आर वाई निकाले ना, तो आई वाई यूज करेंगे, ये हमारे पास आई है, आई हमारे पास 63.7 × 10⁴, ऊपर देखो एक्सपोनेंट 4 भी लिखा हुआ है। आई एक्स क्या था कि 1500 × 10⁴, वो बहुत ज़्यादा है, ये हमारे पास आई वाई क्या 63.7 × 10⁴, 63.7 × 10⁴, ये हमारे पास आ गया आई एक्स, सॉरी आई वाई। तो ये हम ना बिल्ट अप सेक्शन का निकाल लें सारा कुछ, बिल्ट अप सेक्शन का एरिया देखो ना डबल है, ये हमारे पास आई एक्स है प्लस, ये हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम याद होगा, आई प्लस ए इंटू डी का स्क्वायर, आई प्लस ए इंटू डी का स्क्वायर, तो आई बाकी है, ए हमारे पास क्या आएगा वही 2 × 2610 डी का स्क्वायर। अच्छा डी क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रॉइड टू ये मिडल, ठीक है, अच्छा डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रॉइड टू मिडल, तो ये 100 है, इसका मिडल का डिस्टेंस क्या होगा 50, ऐसे ही है, सही है। और ये डिस्टेंस क्या होता है, ये टेबल में गिवन होगा x, अच्छा ये टेबल में x डिस्टेंस गिवन होगा क्या, हॉरिजॉन्टल में सेंट्रॉइड की तरफ तक है, तो 50 + x, ये हमेशा इस तरह, तो यहाँ पर 50 + x के यहाँ पर क्या है, ये वही चीज़ जो आपने पहले निकाली थी, अच्छा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि दो हमारे पास चैनल है, ये एक चैनल का था, ये सिर्फ इसका था, दूसरे चैनल के लिए क्या होगा वो ए सी एन चीज टाइम्स 2, इसलिए हमें टाइम 2 कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया है, अभी आई वाई आ गया, ए आ गया, इनको डिवाइड कर दो तो आर बी हमारे पास आ जाएगा वो वाला फिल्टर था चिंता। तो ये देखो हमने भी किया हुआ, मतलब अगर हमारे पास बिल्ट अप ना हो तो हम डायरेक्ट आई की वैल्यू लगा देंगे,
फिर तो हाँ, फिर तो आर वाई गिवन है ना, आई वाई की तो, आई वाई की तो जरूरत ही नहीं, फिर आर वाई गिवन है, आर वाई गिवन है, हम ये सारा कुछ आर वाई निकालने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एल ओवर आर, एल के आर चाहिए वहाँ पे, ठीक है ठीक। तो ये हमारे पास, उसने कहा कि ये मेरे पास आई वाई था, ये एक्स था, तो उसने क्या किया कि दिस प्लस दिस टाइम्स टू, आर एक्स और आर वाई में मिनिमम लेंगे हम। हाँ अच्छा अच्छा हाँ, ये देखो उसने एरिया क्या लिया 2610, हमने डबल कर दिया था, वो गलती कर दी मैंने, एरिया हमारे पास वन टाइम ही आएगा, ये हम एक चैनल का देख रहे हैं ना। हाँ एक चैनल का, वही एक चैनल को बाद में टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड, सही तो दो दो दफा नहीं कर देना, ठीक है वो सही है, एक चैनल का एरिया है और उसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रोइड ये 50 के है, क्लियर स्पेस बाय टू याद रख लेना, क्लियर स्पेस बाय टू, ये दो चैनल है इनके दरमियान, अगर क्लियर स्पेस होकर 300 इसको डिवाइड बाय टू कर दो, तो ये अगर 150 प्लस एक्स, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है कि क्लियर स्पेस बाय टू प्लस एक्स, ये हमारे पास देगा डी, ठीक है जी। ये आ गया आर वाई आ गया, अब देखो आर वाई हमारे पास आ गया 65.8, आर एक्स था वही जो हमारे पास गिवन था पहले 75.9, फिर भी आर वाई छोटा है तो आर वाई क्या होगा, आर वाई ही होगा, तो अब हमें एल ओवर आर कर दिया, एल हमारे पास 5000 आर कर दिया 75.9 है, लेस देन 300 है, ओके ये भी तीसरे चेक में हमारे पास क्या हो गया, ओके बस ये तीनों चेक करने हमने, हमारे पास ठीक हो गया था, बी मिनिमम टेंशन स्लेंडर स्ट्रेस सही है, सही है अच्छा, वो ये वैसे ना दो तीन लाइनें लिख दिया करो इसकी, मतलब हमने कुछ नहीं करना, ये वैसे ही अपनी अजम्पशन डाली हुई है उन्होंने, हमारे पास लोडिंग साइड है, हाँ फटीक के लिए ना, हाँ बिल्कुल, कि लोडिंग साइकिल 20,000 से कम है, तो जाहिर सी बात है इसका तो हमने कुछ छोड़ना नहीं होता है, बस लाइन लिखनी होती है, और ये देख देना कि कनेक्टिंग हमें हमें बताया नहीं हुआ, तो कुछ नहीं मतलब कनेक्शन लाइन बताई नहीं, हमें यूएस गुम किया बस, सही है तो ये देखो अब वो कह रहे हैं डब्ल्यू सेक्शन, हमें डब्ल्यू सेक्शन मतलब आई सेक्शन में सेलेक्ट करना है, डेड लोड है इतना, सर्विस लोड है तो लाइव लोड है इतना, और 9 मीटर लॉन्ग है, फ्लैंजेस ओनली, ठीक है 4 रिवेट्स हैं, तो हमारे पास एन क्या है 4 बी, हमारे पास 2 4 20 पर्सनल लाइन आर एटलीस्ट 3 और BF 4, ठीक है वो देखते हैं अभी, तो हमारे पास सबसे पहले क्या है डेड लोड और लाइव लोड दिए हुए हैं, हमें सबसे क्या क्या करना था, फैक्टर लोड TU निकालना है, तो TU अच्छा ये हमारे पास डिज़ाइन क्वेश्चन है, क्या देखना सिलेक्ट या डब्ल्यू सेक्शन सिलेक्ट, अच्छा डिज़ाइन करना है, हमें बताया नहीं हुआ कुछ, तो TU क्या आ गया 1.2 टाइम TD प्लस 1.6 टाइम TL डेड लोड और लाइव लोड, तो TU TD मेरे पास था TD और TL मेरे पास था, एक था 20 और 680, तो मेरे पास 2312 आ गया TU, फैक्टर लोड मेरे पास क्या क्या 2312 किलोमीटर, ये आ गया निकालिए, अच्छा अब वही चीज़ जो प्रोसीजर मैंने बताया था, सबसे पहले क्या करना है बी मिनिमम निकालना है, बी मिनिमम वो बुक में ना सारा मिक्सअप किया था, तो बस एक फिर फॉलो करो तो अच्छी बात रहती है, बी मिनिमम क्या आएगा मेरे पास के वो कह रहा है कि अज्यूम दैट 4 rivets 2 in each flange, कि हमारे पास ये आई सेक्शन इस तरह होता है ना कि 4 rivets हैं 1 2 3 4 2 in each flange, कि वेब के अंदर कोई रिवेट नहीं है, तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ कर सकते हैं 2.5D+16 ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है उसने फिर भी किया होना 3.25 वाला ही +18 वो प्रेफरेबल है, तो वो यूज़ करते रहो, ये हम बता रहे हो कि यूज़ कर सकते हो, कोई मसला नहीं इसके अंदर, वो बुक में ये वैसे यूज़ किया क्योंकि ये प्रेफरेबल है, तो बी मिनिमम हमने निकाल दिया इस तरह, दूसरा केस हमने दूसरा काम क्या करना था कि हमने टेंशन की कैपेसिटी देखनी है, कि अब हमें देखो ना हमें एरिया नहीं पता, हमें लोड पता है हमें एरिया नहीं पता, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, हमने φTn = φTFyAg φTn = φTFuAn और u, अच्छा ये दोनों के लिए फाइंड करेंगे, हाँ दोनों के लिए, अच्छा अब हमें ना देखो हाँ लोड पता है एरिया नहीं पता,
ऐसे ही है। लोड पता है ग्रॉस एरिया हमें पता नहीं, सेक्शन हमारे पास फाइल नहीं, तो हमें पता ही नहीं। तो हमें लोड क्या पता है कितना है, 2312, ये चीज मैक्सिमम लोड कितना, ये कहते हैं 2312। तो ये सपोज करना 2312 इज इक्वल टू 2312 इज इक्वल टू, ये किलो न्यूटन है तो 10 के बाद 3 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूटन में करने के लिए ना, सारा कुछ न्यूटन और एमएम में रखना है, ठीक है, काम आसान रहेगा, सारा कुछ न्यूटन और एमएम। कोई ये 0.75 है, ये 200 है, एजी हमने निकाल लेना, एजी निकला है इधर से भी, ये क्या है मेरे पास 0.75 इंटू ये है 400। अच्छा यू के लिए क्या करना है हमने, वो ज़ूम करेंगे, हाँ यू के लिए ज़ूम करना है। तो उसने कहा कि बी एफ इज लेस देन 2/3d, ये गौर करना, बी एफ लेस देन 2/3d। तो अच्छा मैंने बताया हुआ है कि बी हमने यू कौन सा लेना है, बी एफ लेस देन 2/3d। तो अगर यू के लिए फॉर्मूले में जाओ तो ये देखो, ये देखो, ये बोले तो ये दोनों फॉर्मूले देखते हैं। उसने कहा है हमारे पास के बी एफ लेस देन 2.5d, हाँ तो अगर डी को उधर ले आओ, बी एफ ओवर डी लेस देन 2/3, ऐसे ही नहीं बनता, हाँ जी। तो यहाँ पे देखो बी एफ ओवर डी लेस देन 2/3, ये चीज है 2/3 मतलब 0.67। तो यू हमें क्या लेना है, 0.85। तो यू हमने ले लिया 0.85। अच्छा नेट एरिया को क्यों लेना है, हमने नेट एरिया को हमने वही मैं पहले जो बता था कि हम नेट एरिया को कैसे लिख सकते हैं, ए एन इज इक्वल टू आर इंटू ए जी, ठीक है, आर कोई भी फैक्टर है जो हमने अज्यूम किया हुआ है, ठीक है, इंटू ए जी। तो आर वो सपोज कर लो कि उधर लिख देना अज्यूमिंग आर इज इक्वल टू 0.85 या अज्यूमिंग ए जी, यहाँ पे ना क्लियरली मैंशन कर देना कि अज्यूमिंग ए एन इज इक्वल टू 0.85 ए जी, ये अज्यूम किया है हमने, ठीक है। 0.8 से 0.9 तक ले सकते हैं, कोई मसला नहीं, यू के साथ वाली वैल्यू ले लो तो अच्छी बात है, जो यू की वैल्यू है वही वही ये ले लो। अच्छा तो इसको भी वही ले लो 0.85 इनटू एजी, सही है। अभी इसमें डिफरेंस है, पीछे हमने फार्मूला यूज के एन निकाली थी, इधर हम डायरेक्ट फाइंड कर रहे हैं। हां बिल्कुल, क्योंकि उस फार्मूले के लिए हमें क्या चाहिए, एजी चाहिए, एजी हमें पता नहीं है। अच्छा फार्मूला क्या है, एजी माइनस एन इनटू टी प्लस 3 टाइम थिकनेस, हमें थिकनेस भी नहीं पता क्योंकि सेक्शन ही नहीं पता हमें उसका, एन तो चलो पता है, टी भी पता है हमें, ना थिकनेस पता है हमें ना ग्रॉस एरिया पता है। तो हम वो ए जी तो हमें निकालना है ना, इसलिए अच्छा, हम ये कर रहे हैं कि ए जी के लिए ना इन दोनों से दो ए जी की वैल्यू आ जाएगी, जो ए जी की वैल्यू ज़्यादा होगी वो सिलेक्ट करनी है, वैस्टी कम एरिया ज़्यादा, हमेशा याद रखना एरिया हमेशा ज़्यादा सिलेक्ट करते हैं क्योंकि ज़्यादा एरिया की क्या होती है, ज़्यादा कैपेसिटी होती है। ओके 10,200 है, 10,600 है, तो 10,600 हमने ले लिए। तो ये इन्होंने डायरेक्ट डिलीवर किया हुआ है फॉर्मूले, अगर फ्लिप होगी तो कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह, मुझे मतलब एक्सपीरियंस भी है फॉर्मूले, बस हमने याद से एक दफ़ा कर लेने बिल्कुल, बाकी काम सिंपल रहता, ठीक है। उन्होंने डायरेक्ट 1000 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि वो न्यूटन में करना था, नीचे 0.9 F/5 वो डायरेक्ट कर दिया, तो उससे मसला ही आता है, सही है। यार उन्होंने 0.85 लिया है, ये उसने 2.5d, चलो इसने यहाँ पे भी 2.5d से लिया है, कोई मसला नहीं, 3.25 ले लो कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास दो चीज़ें आ गई हैं, एरिया आ गया है, एक आ गया बी मिनिमम, एक आ गया हमारे पास एरिया, ग्रॉस एरिया, ठीक है। ग्रॉस एरिया इसको बेसिक ले लो, ग्रॉस एरिया रिक्वायर्ड कितना, रिक्वायर्ड मिनिमम रिक्वायर्ड है, यहाँ पे आप टेबल में आओ, हम नेक्स्ट लेकर ने डब्ल्यू सेक्शन, डब्ल्यू सेक्शन के टेबल में आओ, वो शुरू में डब्ल्यू सेक्शन होते हैं। ग्रॉस एरिया हमारे पास कितना था, 10,600, ठीक है, तो 63,000 है, ये तो बहुत ज़्यादा है, नीचे जाओ जल्दी जल्दी, ठीक, ये अभी 70,000 पे ही है, बहुत ज़्यादा है। टेबल के ना वैसे स्टार्ट करना है हमेशा एंड से, जहाँ पे टेबल ख़त्म होता है उधर से स्टार्ट करो, मतलब यहाँ पे मतलब एम शेप आ गई, इसे पीछे डब्ल्यू शेप्स हैं, एम शेप वही डब्ल्यू होता है, बस थोड़े से कर्व्ड होते हैं, ये एंगल पे स्लोप दी होती है, तो डब्ल्यू शेप ये है, तो यहाँ से स्टार्ट करो, इसका ग्रॉस एरिया कितना, 2000, ये कम है, ऊपर जो अब नीचे से ऊपर
2000 से ये अभी 5000, ये 11000 है, 200 × 8 जो बिल्कुल करीब तरीनों का वो वैल्यू लेनी है, ज्यादा मगर करीब तरीन, ताकि इकोनॉमिकल भी तो रहे ना। अगर हम 10000 चाहिए, हम लाख सेलेक्ट कर ले, वो तो बहुत हैवी हो जाएगा, हालांकि वो सारा कुछ फुलफिल कर लेगा, क्राइटेरिया सारे कर लेगा, मगर वो बहुत अन इकोनॉमिकल होगा। सही, तो ये 11000 आ गया, ऊपर वाले 12000 को इग्नोर करो, वापस आगे देखो, 2-3 और सेक्शन देख लो, ये 10000 11400 नहीं, ये ज़्यादा एरिया है। अब देखना तुमने, मतलब ये 11000 था ना, हमें चाहिए 10667, तो अगर 11000 से कम हो, इस वैल्यू से ज़्यादा हो, तो वो ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा, वो लेबर सेकंड वैल्यू नज़र आती तो देख लो, नहीं ना नज़र आती तो फिर 11000 ले लो, ये 11400 है तो ज़्यादा है उससे, ठीक है ये नहीं ले सकते हम। ये 11000, ये भी 11000 है, ये भी ले सकते हैं, मसला नहीं कोई। और ये देखो 11500 नहीं लेना, ये बाकी देखो सारे आप सेक्शन कौन से आ गए हैं, 10800, अच्छा ये देखो ये 10800, हाँ 10800 लें कि 11000 लें, 11 मतलब थोड़ा सा वो भी रख लें। नहीं अगर वैसे अगर देखी ना तो 10800 ज़्यादा सही है, तो हम सेफ्टी मार्जिन बहुत रख लिया आगे, लोड में हमने कर लिया है कि लोड को हमने 1.2-1.6 टाइम्स फैक्टर सेफ्टी दे दिया है ना, अच्छा बाद में हमने कैपेसिटी को भी रिड्यूस कर दिया, मतलब 0.9 और 0.75 जो स्टैंड रिडक्शन फैक्टर 5 है वो भी कर दिया, मतलब सेफ्टी हमने बहुत दे दी है। अब हमने मतलब एरिया को देखना है इकोनॉमिकल की तरह, मगर हम क्यों ये सिलेक्ट करेंगे, इसकी डेप्थ देखो 410 है, जितनी डेप्थ होगी उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, तो नीचे वाला हमने सिलेक्ट किया था, उसकी डेप्थ क्या थी, 200 थी मेरे ख्याल से, 200 × 86 था, हाँ 200 × 86 था, तो इसकी हाफ डेप्थ है, हाँ हाफ डेप्थ है, अगर ये 200 होता ऊपर वाला 250 होता और उसका एरिया कम होता, तो जाहिर सी बात है फिर 250 वाला सेलेक्ट करना था, मगर ये तो डबल होगी ना डेप्थ, तो थोड़ा सा मतलब वो थोड़ी ना ये डिज़ाइन ये थोड़ा सा माइंड रखना है कि इतनी ज़्यादा डेप्थ नहीं ले, 300 तक ले तो चलो ठीक है, ये जो तीसरा सेलेक्ट किया था ना ये दरमियान में 330 वो भी ठीक था, मगर उसका एरिया इसका ये सेम है, तो फिर जाहिर सी बात है कम डेप्थ वाला लो, जितनी डेप्थ कम होगी उतनी कम डिफ्लेक्शन। तो अब हमने सपोज कर लो ये सिलेक्ट कर लिया, अच्छा अब हमने क्या काम करना है, जो मैंने पहले बताया था, तीन चेक, बी मिनिमम याद है, बी मिनिमम मतलब अब बी मिनिमम तो हमने निकाल लिया है, बी एफ इसका क्या है हमारे पास, टेबल से देखेंगे, टेबल से देखो तो बी है हमारे पास है 209, बी, अच्छा हाँ इसके अंदर बी एफ वो करना है, 2 पे डिवाइड करना है, हाँ ठीक है, क्योंकि इसमें ना ये बी एफ क्या गिवन है, एक मिनट में ज़रा दिखाऊँ, ये आई सेक्शन है सपोज करो, बी एफ क्या होता है चैनल के अंदर, ये चैनल सेक्शन है, चैनल के अंदर बी एफ कह रहा था ये आधा, ठीक है, और फॉर्मूला किसके लिए बना, ये आधे के लिए, ये अच्छा। जो आई सेक्शन है इसके लिए पूरा बी एफ, उस जो हमारे पास टेबल है ना उसमें पूरा बी एफ दिया हुआ, फिर फॉर्मूला किसके लिए बना हुआ है, हाफ के लिए, हाफ के लिए, अच्छा हाफ के लिए, तो या फिर वो बी मिनिमम को 2 से मल्टीप्लाई कर दो या इसको 2 से डिवाइड कर दो, एक ही बात है, अच्छा तो इसको डिवाइड कर दो 2 पे, वो उसने उसको ना मतलब करो, इसको 2 पे डिवाइड कर दो, ये हमारे पास कितना आ गया, 104, ठीक है, वो उसने ना बी मिनिमम निकाला हुआ है हमारे पास 66 निकाला हुआ है, तो मतलब ठीक है, ओके, अगर 3.25 से भी देखो ना फिर भी ज़्यादा ही आता है, मैंने चेक किया हुआ है, अब देखो अब हमें एरिया पता है, ग्रॉस एरिया पता है हमें, क्या सेक्शन से क्या है 11 का, वही है ना, एफआई पता है, फाइटी पता है, हमने फाइटी टीएन निकाल लेना, मतलब पहले जो हमने चेक किया था वो हमने एरिया के लिए निकालने के लिए किया था, ये हमने एरिया निकाला यहाँ से, अब हम कैपेसिटी निकाल रहे हैं, सही है, ठीक है, अब यू क्या करना है हमने, और ए एन
अब हमें एरिया भी ए एन भी हमें अस्सी का निकालना है, मतलब ए एन के लिए हम क्या करेंगे कि ए जी माइनस एन इंटू डी प्लस थ्री टाइम थिकनेस। अच्छा वो बक्सा प्रणा का पहले दो स्टेप जो थे वो एक्स्ट्रा थे कि हमने सेलेक्ट किए सेक्शन वगैरह, अब वही तीनों वो उसी के पैसे चेक करने चेक करने तो एन में बस था फोर चार बोर्ड से, डी में बस था 20 थिकनेस जितनी भी हमारे पास थी थिकनेस यहाँ पे गिवन होगी टी ना यहाँ पे फ्लैंज की थिकनेस क्योंकि बोर्ड कहाँ पे लगने हैं फ्लैंज के अंदर ये आ गया। अच्छा यू क्या निकालना है, अच्छा अब यू के लिए हमने पहले ये आई सेक्शन के लिए अगर यू देखो ना तो ये है बी एफ बाई डी बी एफ बाई डी ये दो चीज़ें ऐसे ही बी एफ बाई डी पहले हमें पता नहीं था बी एफ बाई डी हमने अज्यूम किया था बी एफ बाई डी लेस देन 0.67 अब हमें बी एफ भी पता है अब हमें डी भी पता है बी एफ कितना है हमारे पास 203 और डी कितना था हमारे पास डी हमारे पास 200 है ये सेलेक्ट किया हुआ है उधर पीछे से। चलो यहाँ पे डेप्थ इसकी देखिए ना वो बी एफ हमारे पास था 203/2 डेप्थ हमारे पास क्या 222 ठीक है तो बी एफ बाई डी तो बी एफ हमारे पास है 203/2 एक आधा डिवाइड बाय 222 तो इसका निकाल के चेक करो ये आता है मेरे ख्याल से 203/2 100 डिवाइड बाय 200 मतलब ये आएगा हाँ 0.5 ही आ रहा है ना 222 0.45 सॉरी एक मिनट बी एफ एस के ना पूरा तो नहीं लेना 0.45 नहीं आना हाँ सही है अच्छा सही इसमें ना बी एफ पूरा लेना है बस बी मिनिमम के चेक में ठीक करना है इसमें बी एफ पूरा ही लेना है सही है अच्छा बी एफ इसमें पूरा लेना है क्योंकि इसमें चैनल इसमें जो आई सेक्शन है इसमें ज़्यादा याद किया जाता है ऑलमोस्ट हर केस में ना ये ग्रेटर देन 0.67 ही आएगी बी एफ बाई डी ना ऑलमोस्ट हर केस में तो 203 है ओवर 222 तो ये देखो ये 0.9 का है कुछ 0.947 लिखा हुआ तो ये हमारे पास ग्रेटर देन है तो अगर यू के टेबल में जाओगे अब हमने यू को सेलेक्ट करना है 0.9 वाला ये सही है सही है मतलब अब हम एग्जैक्ट पहले यूज़ करें पहले हम ज्यूम करके कर रहे थे कि सारा कुछ ज्यूम किया हुआ था अब हम एग्जैक्ट करें ये 0.9 यूज़ करें ठीक है ए एन भी आ गया ए जी भी आ गया फाइव टी आ गया और ये दोनों क्या किससे ये दोनों चीज़ें किससे ग्रेटर होनी चाहिए याद रखना ये दोनों चीज़ें टी यू से ग्रेटर होनी चाहिए फैक्टर लोड से दोनों एक काम भी हो जाए तो हमारे पास सेक्शन फेल हो गया दोनों मतलब ग्रेटर देन टी यू होनी चाहिए मास्ट चाहिए फिर ओके होगा ठीक तो इन्होंने देखो निकाला हुआ है कि एक निकाला हुआ है 24 एक है 24 दोनों 24 है हमारा 23 था तो मतलब ओके टी यू 23 था ना सही है दूसरा चेक हो गया तीसरा चेक क्या था स्लेंडरनेस रेशियो स्लेंडरनेस स्लेंडरनेस रेशियो के लिए वही चीज़ अच्छा अब हाँ ये हमारे पास आई सेक्शन है कोई बिल्टअप सेक्शन तो नहीं है ना आई सेक्शन आम सेक्शन तो इसका आर एक्स आर वाई क्या होगा टेबल में गिवन डायरेक्ट ठीक है तो आर एक्स आर वाई हमने देखा ना ये वही मैं कह रहा हूँ कि ये ना जो भी सेक्शन है उसके ऊपर तुमने निकाल के स्केल रख लेना है ठीक है बार बार तुम्हें आगे पीछे करना पड़ता है तो वो बार बार इस साथ मिक्स हो रहा है ना वो फिर वो टाइम वरना वेस्ट रहता है पेपर में टाइम नहीं पेपर में यहाँ पर स्केल रख लिया तुमने अच्छा अब हमारे पास एक आर एक्स क्या है 92.7 आर वाई क्या है 53.3 आर मिनिमम क्या होगा 53.3 सही है ठीक है अच्छा अब आखिरी का ये चैप्टर 2 के अंदर आखिरी चीज़ कि हमारे पास
चार तरह के सेक्शन है, चार तरह के लोडिंग पैटर्न है। एक हमारे पास है प्योर टेंशन, एक है हमारे पास प्योर कंप्रेशन, दूसरा है स्ट्रेस, तीसरा है स्ट्रेस रिवर्सल। अच्छा, स्ट्रेस रिवर्सल में दो पार्ट हैं कि एक हमारे पास स्ट्रेस रिवर्सल के अंदर के टेंशन मेंबर है, मगर कैपेसिटी चेक करनी है कंप्रेशन की भी। मेंबर टेंशन का ही है, कैपेसिटी चेक करनी है कंप्रेशन की भी, या फिर मेंबर कंप्रेशन का है, कैपेसिटी चेक करनी है तो टेंशन की। ठीक है, इसके पास फॉर्मूला है कि प्योर टेंशन प्योर कंप्रेशन या स्ट्रेस रिवर्सल टेंशन विद कैपेसिटी चेक फॉर कंप्रेशन और स्ट्रेस रिवर्सल कंप्रेशन विद कैपेसिटी चेक फॉर टेंशन। तो मैं इसको अच्छा, तो अगर देखो सिंपल सी बात है, या उसमें हमेशा कंप्रेशन हमेशा ज़्यादा क्रिटिकल होती है टेंशन से, कंप्रेशन से बकलिंग होती है तो उसको हमेशा ज़्यादा क्रिटिकल होती है। तो अगर हमारे पास पी यू जो कंप्रेसिव फोर्स है वो ग्रेटर देन टी यू है तो हमारे पास प्योर कंप्रेशन केस है। सही है, पी यू ग्रेटर देन टी यू तो प्योर कंप्रेसिव केस है, ये प्योर कंप्रेशन है। दूसरा है कि अगर हमारे पास पी यू है वो लेस देन है 0.1 टाइम्स पी यू, कि मतलब 10% से कम है कंप्रेशन, कंप्रेशन बहुत कम है, ये टेंशन की 10% से भी कम है, फिर हम बस लेंगे कि प्योर टेंशन है, वरना हम प्योर टेंशन ही लेंगे। कि अगर पी यू ग्रेटर देन टी यू मतलब हल्की सी भी कंप्रेशन टेंशन से ग्रेटर भी हो गई तो वो तो प्योर कंप्रेशन बन गया, हमें टेंशन को इग्नोर कर देंगे। अगर पी यू लेस देन 0.1% 0.1 मतलब 10% ऑफ टेंशन, मतलब बहुत ही कम हो पी यू, कंप्रेशन बहुत ही कम हो, फिर हम लेंगे प्योर टेंशन बस। तीसरा केस है स्ट्रेस रिवर्सल टेंशन, स्ट्रेस रिवर्सल को मैं स्ट्रेस टी लिख रहा हूँ, लेकिन हम बस टी यू ग्रेटर देन 1+0.015 L² × PU। ये इफेक्टिव, ये इफेक्टिव ये फैक्टर है बस, इफेक्टिव लेंथ फैक्टर से कहते हैं मेरे ख्याल से। तो अगर मैं बस टी यू ग्रेटर देन है इस फैक्टर के तो स्ट्रेस रिवर्सल भी टेंशन है, अगर टी यू लेस से इससे 1+0.015 L² PU से तो हमारे पास स्ट्रेस रिवर्सल कंप्रेशन। ये भी करते हैं, ये बस याद रखना, ये गिवन भी है इधर, ये इसके अंदर ना आखिर में जाओ ना याद कर लो, वैसे इतना कोई मुश्किल नहीं है, ये ब्लॉक से के बाद वैसे गिवन भी है। हाँ इधर गिवन है मेंबर अंडर स्ट्रेस रिवर्सल, ये चीज केस वन केस टू केस थ्री केस फोर, मतलब ये पूरा पढ़ने का टाइम नहीं होता पेपर में, सॉल्व करके जल्दी जल्दी करो। ठीक है, तो एग्जांपल पे आते हैं, बस सारा कुछ वही सेम है, बस एक इसमें स्टेप ऐड होगा। अच्छा वो कह रहा है कि फैक्टर कंप्रेसिव फोर्स क्या है, पी यू फैक्टर्ड फोर्स पी यू 450, फैक्टर नेसाइल फोर्स क्या है टी यू इज इक्वल टू 840, टी यू है 850, टी यू है 840। तो हमारे पास पहला केस क्या था, पी यू ग्रेटर देन टी यू, तो ये तो नहीं है, पी यू हमारे पास 450 इज नॉट ग्रेटर देन 840, तो हमारे पास प्योर कंप्रेशन फोर्स ये नहीं है, प्योर कंप्रेशन नहीं है, केस नहीं है। दूसरा केस क्या है, टी यू ग्रेटर देन पॉइंट सॉरी पी यू लेस देन 0.1 टाइम टी यू, तो पी यू हमारे पास है 450 लेस देन 0.1 टाइम टी यू, 0.1 क्या होगा 840 का 84, 450 लेस देन 84, ये भी नहीं है, ये भी प्योर टेंशन केस भी नहीं है। सही है, इसे चेक करते रहना, सही है, ये प्योर टेंशन भी नहीं है। तीसरा केस क्या है कि टी यू ग्रेटर देन 1+0.015 L² × PU, तो टी यू हमारे पास 840 ग्रेटर देन 1+0.05 L², एल हमारे पास कितना है यहाँ पर गिवन होगा, एल 6 मीटर। ठीक है, एल 6 मीटर यूज़ करो, पी यू हमारे पास यूज करो 450, तो इसकी वैल्यू आती है यहाँ पे देख रहे हैं क्या वैल्यू आ रही, 693। ठीक है, तो टी यू ग्रेटर देन 693, ये तो ओके है। तो मतलब केस हमारे पास कौन सा है कि स्ट्रेस रिवर्सल टेंशन बट चेक कैपेसिटी फॉर कंप्रेशन, डिजाइन हमने करना टेंशन मेंबर के लिए, चेक कैपेसिटी करनी है कंप्रेशन के। ठीक है, तो डिजाइन के लिए आप हमने डिजाइन करना है, डिजाइन के लिए क्या करना है सबसे पहले, बी मिनिमम हमने निकाल लिया, सपोज करो निकाल लिया, और उसने कौन सेक्शन कहा हुआ है, एक मिनट
welded correction are to be used. अच्छा welded, welded में क्या होगा beam minimum हमेशा 50. अच्छा welded में beam minimum always 50. sorry always 50 mm. ये welded क्या दिया? कोई मसला नहीं. और welded के अंदर AG gross area is equal to net area. welded में काम बहुत आसान हो जाता है. ठीक है. beam minimum देखना पड़ता है, gross area net area भी same रहते हैं. ठीक है. दूसरा काम ये करना है अपने एरिया निकालना है. एरिया ग्रोथ वो तो 5TTN 5TTN मैं यार हर बार लिख रहा हूं ताकि याद रहे. 5T मेरे पास वैसे ही आ गया FYAG. 5T वैसे ही आ गया FUAN और U. तो 5TTN 5T मेरे पास क्या 840 जो टेंशन वाली फोर्स है, हमें डिजाइन फॉर टेंशन करना है. 5T 5T पता है 0.9.75 FY 250 FU 400 AG हमने निकाल लिया है. U हमने सपोज कर लिया कि कौन सा सेक्शन था जीरो. ये हमारे पास है टू चैनल्स बैक टू बैक वेल्डेड कनेक्शन आर टू बी. अच्छा वेल्डेड में U हमेशा मतलब Q1 ले सकते हैं हम. ठीक है. अगर सिंगल चैनल होता ना सॉरी फिर U1 लेना था. डबल चैनल है इसके लिए U की वैल्यू 0.8 होती है मेरे ख्याल से. एक मिनट या 0.6 हो गई वेल्ड के लिए. या डबल चैनल डबल एंगल के लिए 0.8.6 होती है. डबल चैनल के लिए देखो. अच्छा ये सिंगल डबल चैनल व्हाट वाज स्पेस ये ना ये आई नंबर आई के यहां पे नहीं. वो तो चैनल सिंपल है ना हॉट होल्ड चैनल्स. वो तो बिल्ट अप नहीं है. नहीं नीचे लिखा है बिल्ट अप सेक्शन विद अनकनेक्टेड सेगमेंट्स. बट अनकनेक्टेड सेगमेंट्स हां ये भी हो सकता है. मगर ये इसमें ना रिबूट वाला है. ये देखो ना मिनिमम नंबर ऑफ फास्टनेट्स. ये देखो उसने कहा 3 फास्टनेट्स हैं. तो ये रिबूट वाला कैसे हमने वेल्ड वाला देखने. सही वेल्ड वाला उन्होंने देखो मोइका से 1 ही लिया होगा. 1 भी ले लो. वेल्ड के केस में ना 1 नहीं उसने शायद यूज किया हो. चेक करो क्या पे है. उसने 1 ही है. उसने देखो ना ए रिक्वायर्ड निकाला ही एक तो इसका मतलब उसने 1 ही किया. हमने निकालने दोनों हैं फिर भी. ठीक है सही है. हमने दोनों निकालने तो ए एन क्या होगा ए जी के एक वाली क्योंकि सेम है वेल्ड कनेक्शन में. यू भी हमने 1 ले लिया तो इससे देखना हमेशा वैल्यू ऊपर वाली कम आएगी. ये बेशक चेक कर लेना वैल्यू कम आएगी मगर फिर भी हमें दोनों चेक करने हैं क्योंकि उधर 5 कम है ना. हाँ 5 कम है उसमें 0.75 है उसमें 0.9 है. ठीक तो है. इन दोनों से एरिया निकाल दिया. जिससे एरिया हमारे पास क्या आएगा ज़्यादा वो हमने देख लिया. एरिया रिक्वायर्ड आ गया 3733. अच्छा अब ये हमने डिज़ाइन करना है डबल एंगल. ठीक है. ठीक है. टू चैनल्स बैक टू बैक. बैक टू बैक क्या होता है ये इसी तरह ही बैक टू बैक बैक एंड बैक के साथ. इधर भी क्लियर स्पेस. क्लियर स्पेस कितनी है 300. तो नहीं क्लियर स्पेस टोटल विड्थ बताइए. टोटल विड्थ क्या होती है कि ये एक सेक्शन है ये एक सेक्शन. टोटल विड्थ 300 है एंड से एंड तक. ठीक. क्लियर स्पेस का अभी वो पता चलेगा जब हम ना चैनल क्या सिलेक्ट कर लेंगे ना फिर उसमें बी एफ माइनस कर देंगे ये वाला भी फिर हमें क्लियर स्पेस पता चल जाएगी. ठीक है. तो एरिया रिक्वायर्ड बी मिनिमम हो गया. अब हमने चैनल सेलेक्ट करना है. अच्छा 3733 हमारे पास आ रही है एरिया था फॉर्मूले से क्योंकि दो चैनल्स का एक चैनल क्या होगा इसको आप कर. सही है. तो अब वही बी मिनिमम 50 था. यहाँ पे आओ 1867 चैनल सेक्शन में. चैनल में 1867 एंड से स्टार्ट करो. ये अच्छा ये इसका देखो एरिया ज़्यादा है 1867 से. ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं हम. सही है. ये एम सी है मगर मॉडिफाइड चैनल है. हमने अगर चैनल सेलेक्ट करना है तो वो भी देख लेते हैं. ये नीचे जाओ नीचे से ये नहीं कर सकते ये भी नहीं कर सकते ये भी नहीं. 18 के साथ साथ वाले हमने करना है सिलेक्ट. कोई 54 1867 ये 2000 है ये कर सकते हैं. चलो बक्सर ज़्यादा है. ठीक. ये 2000 वाला एक कर सकते हैं. एक ये 2000 2800 नहीं चलोगे ये भी ज़्यादा है. 2000 वाला अब हमने ना एक
देख लिया कि 2000 वाला वो करीब करीब, अभी बाकी देखो जरा 1790 तो ये और करीब आ गया 1790 1867 ये 1850 आया, वो नहीं कर सकते थोड़ा सा कम है ठीक है। 2000 ज़्यादा होता रहे था फिर बस ख़त्म। हमने कौन सा सिलेक्ट करे ये वाला 1990 वाला, ये सब चेक नंबर करें C115 15.6, तो ये करो सर C115 15.6 वही निकाला हुआ सही है। सही जो सर भी मोस्ट इकोनॉमिकल हो एरिया ज़्यादा हो मगर कम मतलब कम से कम गैप हो वो सिलेक्ट करना ठीक। तो आपने सिलेक्ट किया है ये, अच्छा वही काम अब अपने क्या करना है बी मिनिमम पहला का बी चेक करना है, बी इसका कितना है 51 ग्रेटर देन 50 ओके 50 ठीक है ओके। दूसरा काम करना है इसका हमने FITTN और FITT वो निकालना है, क्वेश्चन चेक करनी क्वेश्चन चेक कैसे होगी दोनों की मतलब हम करेंगे ग्रॉस एरिया और नेट एरिया सेम है, क्यू हमें पता है हमने वो ले लिया है 1, बाकी क्या करना है वैल्यूज पुट करो खत्म, मतलब FY AG into FIT और FIT FU AN AU U U 1 है AN is equal to AG है FY FYT अगर आप पता है वो सेक्शन की क्वेश्चन निकालो वो ने निकाली हुई है वो कितनी आ रही है। अच्छा हाँ एरिया का डबल करना है यहाँ से दो चैनल सेक्शन में सेलेक्ट किया डबल चैनल में सही है ये 840 से ज़्यादा आ रही है ठीक है ओके आ रहे हैं। दूसरा चेक हो गया, तीसरा चेक हमने क्या करना है स्लेंडरनेस रेशियो, अच्छा वो अब हमने ना वो निकालना पड़ेगा इसका टोटल हमारे पास है 300, ये हमारे पास है 51, ये हमारे पास है 51, तो क्लियर स्पेस कितनी आएगी तो ये हमारे पास आ जाएगी 198 तो हमारे पास आई वाई क्या आएगा बिल्टअप सेक्शन का, तो आई वाई बाहर करता हूँ मैं आई वाई ऑफ सिंगल चैनल सेक्शन, सिंगल चैनल का आई वाई क्या है ये 36 × 10⁴, ये आई एक्स है एक्स एक्स प्रॉपर्टी थी आई वाई 36 × 10⁴ 36 × 10⁴ प्लस एरिया कितना आया था हमारे पास 1990 प्लस क्लियर स्पेस बाय 2 मतलब 198 बाय 2 प्लस एक्स, एक्स हमारे पास अब क्या है एक्स की तरह ये चीज़ 12.7 क्लियर स्पेस बाय 2 प्लस एक्स इसका और स्पेस ये इन सबको मल्टीप्लाई कर दो 2 से ये भी हम... आ गया अच्छा अभी बहुत सब अच्छा नहीं ये जो आगे 1990 से आगे क्या हुआ क्या जो ब्रैकेट के अंदर की हाँ जी ये 198/2 क्लियर स्पेस बाय 2 सेंटर अच्छा। तक लेना ना ठीक है इधर और इसका डिस्टेंस क्या यहां ये x होता है ये 198/2 है सही है तो 198/2 प्लस x प्लस x क्या 12.7 ठीक है ठीक है ये d होता है ये आई वाई आ गया एट में पता है कि 2 × 1990 दो चैनल सेक्शन है आर वाई क्या आएगा बिल्टअप का आई वाई बार ओवर ए बार तो ये जो मैं आर वाई निकाल रही हूँ तो उसने आर वाई निकाला है हमारे पास 112.5 चलो देखो 112.5 है आर एक्स क्या था हमारे पास 56.4 तो अब आर एक्स क्या हो गया मेरे पास वो हो गया मिनिमम ऐसे ही है। अच्छा अगर ये हम आई एक्स के लिए क्यों नहीं फाइंड करते हैं आई एक्स के लिए सेम रहता है अच्छा हमेशा जब हम बिल्टअप सेक्शन बनाते हैं तो आर वाई को इंक्रीज करने के लिए बनाते हैं आर एक्स सेम रहता है सही हो गया सही बिल्टअप सेक्शन के लिए वो है कि हमेशा वीकर एक्सिस वीक एक्सिस हमेशा वाई एक्सिस होता है सही उसको स्टेबल करना है स्ट्रॉन्ग को करने का फायदा नहीं जब फेलियर वीक पे होना है ठीक है तो ये वापस आर आ गया एल ओवर किया इसको चाहिए आ गया दो मत का सही हो गया वो ठीक है सही है तो ये वापस चेक हो गए आप जो मैं पीछे की था जो एक स्टेप में क्या था एक्स्ट्रा आना है
वो ये है कि हमने डिजाइन फॉर टेंशन तो कर लिया है, ये वापस स्ट्रेस से बस केस था 3 कि हमने डिजाइन फॉर टेंशन बट चेक कैपेसिटी फॉर कंप्रेशन, कंप्रेशन तो कैपेसिटी चेक करनी कंप्रेशन की तो कंप्रेशन के वैसे कैसे चेक को आसान है मतलब इसको देखो इसको इग्नोर करो सारा ये है नहीं सिंपल सा इधर आओ यहाँ पर ना ये कंप्रेशन लिए जब हम करेंगे ना वो 3.4 तक वो भी आना है वैसे वो भी है तो उसको कैसे कल देख लेंगे ये आज ना टेंशन ले सारे क्वेश्चन करना मैं तुम्हें सैंपल भी सॉल्व करके मेरे पास पड़े हैं वो मैं सेंड कर दूंगा तो फिर कल इंशाल्लाह कंप्रेशन कर लेंगे वरना मिक्स हो जाएगा। हाँ ये सही है ठीक है तो एक मिनट किधर गया था हम। हाँ अच्छा कंप्रेशन कैपेसिटी चेक करनी है कंप्रेशन कैपेसिटी बस किसके ऊपर डिपेंड करती है सिलेंडर रेशियो के ऊपर सिलेंडर रेशियो हमारे पास आया था ये 106.4 उस पर 107 आ गया सिलेंडर रेशियो को हम कहते हैं आर वो आ गया 107 अपर साइड पे हमने राउंड ऑफ कर दिया बेशक वो नीचे की तरफ आता हम गया अपर साइड पे ना थोड़े सेफ्टी के लिए हमने राउंड ऑफ कर दिया 107 यहाँ पे टेबल लाओ ये पेज नंबर है 103 पे तो यहाँ पे 5 CFCR की वैल्यू निकाल लो 7 के करस्पॉन्डिंग अच्छा 105 106 107 ये है 5 CFCR 122.63 107 के करस्पॉन्डिंग तो जो हमारे पास कंप्रेशन में कैपेसिटी होती है उसे कहते हैं 5CPN ये 5C कंप्रेशन PN मतलब नॉमिनल कैपेसिटी ये इक्वल है कि 5CFCR टाइम एरिया ये ग्रॉस एरिया जो भी है मतलब स्ट्रेस इनटू एरिया यही होता है ना लोड तो 5CFCR कहाँ से है वो डायरेक्ट ये टेबल से 122.63 स्लैंडर्स रेशियो को करस्पॉन्डिंग के एल आर करस्पॉन्डिंग 122.63 टाइम्स ए जी 2 × 1990 वही चैनल का एरिया तो बस ये निकालो तुम्हारे पास कंप्रेशन कैपेसिटी आ गई और एक इससे ग्रेटर आनी चाहिए पी यू से टेंशन वाले टेंशन से ग्रेटर आनी चाहिए कंप्रेशन वाले कंप्रेशन से ग्रेटर आनी चाहिए तो ये निकाल ये करने की कोई जरूरत नहीं है डायरेक्ट ये निकाल लो ये ग्रेटर देन पी यू आइए ओके तुम्हारा क्वेश्चन अच्छा ये ऊपर वाला फॉर्मूला क्या लगा है बैक करें अच्छा मी वाइट बोर्ड में ये आर इज इक्वल टू स्लैंडर्स रेशियो अच्छा ये स्लैंडर्स रेशियो को आर कहते हैं नहीं नहीं ये आगे क्या लिखा हुआ ये ई 107 अच्छा 107 सही है नहीं वो 106.4 था ना हमेशा जब स्लैंडर्स रेशियो इंक्रीज करोगे कैपेसिटी कम होगी इसलिए मैंने ऊपर वाले साइड पे राउंड ऑफ कर दिया अच्छा टेंशन में ये हमने डबल दो सा किया था ना कि 5GTN निकाला है अच्छा एक यील्डिंग के लिए करते हैं एक हम करते हैं ये उसके लिए फ्रैक्चर के लिए अच्छा उसके लिए जो फिर ग्रॉस एरिया नेट एरिया का रिवेट वगैरह हो तो थोड़ा लंबा काम होता है ये कंप्रेशन अच्छा। के लिए हमेशा ग्रॉस एरिया यूज़ करना है वो डायरेक्ट टेबल से मिल जाता है ठीक है बाकी तो काम सिंपल ही सही हो गया ठीक है इंशाल्लाह फिर कंप्रेशन कल करेंगे इंशाल्लाह हां सही समझाई हां मस्त इस हाई इसके आगे है इसको ना अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है ठीक है ना मैं ये थोड़ा सा ये भी सॉल्व किया मैं ये भी सेंड करता हूं ये पेपर के टाइम सॉल्व किए थे ठीक है ये कर दे मैं बस बाकी की प्रैक्टिस का इंशाल्लाह कर हां जल्दी जल्दी सबसे मतलब काम होता है टाइम का टाइम का वेस्ट नहीं करना टाइम पे हमेशा देखना ठीक है जी ठीक है प्रैक्टिस करें ठीक है शुक्रिया जी ठीक अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़